मार्च में शनिदेव बदलेंगे चाल उसके बाद गुरुदेव बदलेंगे अपनी चाल राहु केतु भी बदलेंगे अपनी चाल ये चार मेजर प्लैनेट्स हैं तो उनको मिलाकर हम सारी प्रोडिक्शन आप लोगों को दे रहे सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे खरीद लीजिए लाख रुपए रूपए जाएगा सोने लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कोई आतंकी हमला भी हो सकता है आतंकवाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है तो अब जो है सरकार अपने पूरे एक्शन में आ जाएगी जो लोग भी अगले साल पूजा करेंगे हनुमान जी की उनके जीवन में तो बल्ले बल्ले होने वाली है तो 2025 आपका कैसा जाएगा आपकी राशि क्या है वो आपको बताएगी ओवरऑल 2025 कैसे जाने वाला है न्यूमरोलॉजी से या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आज हम इसको जानने वाले हैं राधे 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय महाकाल जय महाकाल तो लास्ट वीडियो हमने इनके साथ करी थी हमारे चैनल की वन ऑफ द टॉप पॉपुलर वीडियो में से एक है सही बात तो वेलकम बैक अगेन मैं साक्षी ठाकुर मैं संजीव ठाकुर हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी करते हैं वास्तु करते हैं न्यूम्रोलॉजी करते हैं और थोड़ा सा तंत्र वंत्र भी करते हैं अगला साल कैसा जाने वाला है अगला साल जो है वो है 2025 2025 2025 का साल 2025 जो है पहले यानी कि दो बार इसमें आ रहा है तो हजार नंबर जो है वो मून से ऑपरेट होता है और फाइव नंबर जो है वो मरकरी से ऑपरेट होता है तो टू जीरो टू, फाइव, दो बार टू यानी ज्यादा इमोशनल लोगों को नहीं होना है टू नंबर की पावर बढ़ रही है वैसे तो 2025 की सीरीज 2000 की सीरीज में तो टू नंबर की पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी साथ में फाइव नंबर और हम दो टू जीरो मार्स का साल मार्स यानी मंगल मंगल यानी हनुमान जी की पिक्चर आप सभी को सामने आ जाती है तो जो लोग भी अगले साल पूजा करेंगे हनुमान जी की और चुपाइया करते रहेंगे हनुमान जी की छोटी छोटी चुपाइया करते रहेंगे उनके जीवन में तो बल्ले बल्ले होने वाली है बाकी सभी नंबर्स के बारे में हम जानेंगे जानेंगे लेकिन जो 2024 का साल जो ये चल रहा है अभी दो महीने बाकी है तो इसमें जो है ना ये साल जो है ये शनि का साल है तो शनि जो है वो कर्म प्रधान होते हैं शनि जो है जितनी मेहनत की होगी इस साल डिसिप्लिन का साल है सेल्फ कंट्रोल का, का, का साल है क्योंकि दो क्या है शनि का शनि क्या, क्या कहते हैं मेहनत करो बबुआ तभी कुछ फल मिलेगा और जिन्होंने इस साल मेहनत करी है वो अगले साल मजे लेंगे जिंदगी और ये टाइम और पेशेंस का भी साल था क्योंकि लोगों ने इस साल में पेशेंस भी दिखाई है और टाइम मैनेजमेंट भी सीखा है इस साल में 2024 में पर लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का भी साल था शनि है ना भैया भाई ध्यान से संभल के लिमिट में रह के गलत नहीं करना सही ढंग से चलना जो भी हमने 2024 में किया हम 2025 में उसका फल मिलेगा क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन का साल भी था और स्पिरिचुअलिटी का साल भी था तो 2024 जो है ये सारी चीज़ों को बताता है क्योंकि शनि जो है वो मनी भी दी है शनि ने और शनि ने लोगों को हार्ड वर्क करना सिखाया है आप देखो कितने सारे पॉडकास्टर्स जो है कितने आए हैं लोगों ने मेहनत की है लोग आगे बढ़े हैं और और भी बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत गए हैं और ये साल में ना लोगों ने मेहनत बहुत की है क्योंकि इस ये साल जो है शनि ने सबको मेहनती बहुत बनाया है तो जिन लोगों ने मेहनत की है अगले साल लोगों को छुपड़ फाड़ के देंगे शरीदेव जो जो लोग थोड़ा भी सच्चाई पे चले हैं मेहनत करी है काम के साथ दगा नहीं किया है ईमानदारी से चले हैं टाइम से उठे हैं टाइम से पहुँचे टाइम से काम किया है थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहे हैं भगवान की तरफ जो भी आपके परमात्मा आप मानते हैं उनकी तरफ रहे हैं तो आने वाला साल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा फिर उसके तो बाद दो हज़ार पच्चीस के ओवरऑल थीम कैसे रहेगी जैसे आपने बताया ये हार्डवर्क वार्डवर्क था अगला साल कैसा है अगला साल मौज मस्ती का साल भी है और अगर, अगर हम 2025 की बात करें तो ये नौ नंबर का साल है और सारी गेम जो है हमारी एक से लेकर नौ के बीच में चलती है यानी कि एक नंबर वन नंबर जो होता है वो हमारा सूर्य का साल होता है टू तो नंबर मून का है थ्री नंबर बुध का है चार नंबर हमारा जो होता है वो राहू का होता है पाँच नंबर हमारा बुध का होता है और जो है छः नंबर हमारा वीनस का साल होता है सात नंबर केतु का होता है आठ नंबर शनि का था और अगला साल जो है वो है फिर दोबारा से मंगल का साल और अब आप देखो 2025 का साल मंगल का साल है 2016 का भी साल आया था तो वो भी मंगल का साल था आज से नौ नौ साल पहले जो है मंगल का साल आया था तो मंगल का साल 2016 में सबसे बड़ी घटना क्या घटी थी आप सोच के बताओ मुझे 2016 में क्या ऐसा हुआ था सरकार ने क्या ऐसा कर दिया था नोटबंदी नोटबंदी जी हाँ तो अब जो है सरकार अपने पूरे एक्शन में आ जाएगी 2025 में सरकार ने छोड़ दिया जिसको छोड़ना था अब 2025 में सरकार एक्शन में आएगी क्योंकि नौ नंबर का पहला जो मित्र है वो कौन है एक नंबर एक नंबर क्या होती है सरकार तो सरकार जो है कुछ ऐसे डिसीजन ले जाएगी कुछ ऐसे काम करेगी जो आठ नंबर यानी कि जो जनता होती है वो आठ नंबर से रिलेट करती है तो जनता को पसंद नहीं आएगा यानी कि शनि वाले लोगों को पसंद नहीं आएगा तो भी आपको सारे नंबर्स के भी और, करेंगे और जो अगला साल है मंगल का साल है हाँ, एनर्जी का साल है करेज का साल है कॉन्फिडेंस का साल है तो एनर्जी ज्यादा आ जाएगी हाँ, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा और करेज और हो सकता है एग्रेशन भी हो जाए एग्रेशन जिसके बाद जब गुस्सा वाला तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस करेज सारी एनर्जी आ जाएगी मंगल का साल है तो लोग एक्शन ले लेंगे बड़ी जल्दी सोचेंगे नहीं सोचेंगे नहीं और ये जो मंगल का साल होता है ये मंगल जिनके अच्छे हैं उनके लिए भी अच्छा है और जिनके मंगल डिस्टर्ब है क्योंकि मंगल ऐसा प्लानिट है वो दो तरीके से काम करता है एक होता है मंगल नेक और एक होता है मंगल बध तो मंगल बध जो है ना वो वाले जो लोग होते हैं तो वो भी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता दूंगी वो जो लोग होते हैं मंगल बद वाले तो वो लोग जो है ना अपने जो है जोश में होश न खोए जोश में होश ना खाए और जो मंगल नेक वाले लोग हैं वो लोगों को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मतलब अगले साल में लोग आपके साथ में आकर जुड़ेंगे लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे कोलेबोरेशन बहुत होंगी लोगों के साथ में मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा लोग एक साथ में जुड़ जुड़कर लोग आगे पहुंचेंगे ये नहीं करेंगे कि मुझे ही फायदा होना चाहिए लोग सोचेंगे यार मेरे साथ साथ में इसको भी फायदा हो उसको भी फायदा हो उसको भी फायदा हो तो ये मंगल जो है ये साथ में लेकर चलना होता है अग्रेशन जो जो हिम्मत है उनके लिए तो बहुत अच्छा ये। मंगल जो है, वो आपको जो है जीवन में जीत भी दिलाता है मंगल आपको दुनियावी फायदा भी दिलवाता है जिसका मंगल अच्छा होता है उसको लोगों को दुनियावी फायदा मिल जाता है जैसे कि कहते हैं कि मंगल अच्छा हुआ तो लोग आपके पास में आकर आपकी मदद कर देंगे मंगल अच्छा नहीं है तो हम मदद के लिए बस बैठे बैठे पुकारते रहते कोई वहां नहीं मदद कर दे कोई मदद कर दे कोई मदद कर दे तो ये वो साल है तो बड़ा एनर्जी वाला साल है और इसको अगर इस साल को अगर आपने बिल्कुल सही कर लिया अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया क्योंकि नंबर आठ का साल जो था वो था योगा का साल यानी कि इस साल में योगा बहुत चला ठीक है योगा में लोगों ने बहुत ध्यान दिया क्योंकि शनि करवाता है योगा और मंगल करवाता है जिम तो जो लोग भी बैठे बैठे सोचते हैं है। है। चीज़... तो डिजायर बढ़ेंगी और आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं जो है वो आपकी पूरी हो सकती है तो ये हम राशि के हिसाब से बता देंगे और आपको जो है नंबर के हिसाब से बता देंगे ताकि आप अपने बस बैठे बैठे ये देखते जाइए की कौन सा आपका नंबर है कौन सी आपकी राशि है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और अगर पूरा डिटेल में जानना है तो फिर हम लोग बैठे ही हैं तो आपको पूरा डिटेल में भी बता देंगे कि आपका पर्टिकुलरली ये साल कैसा जाएगा वो आपके नाइन प्लैनेट्स की पोजीशन को देखकर ही होता है कि हाँ मेरा 2025 में मुझे क्या क्या मिलेगा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी घर मिलेगा नहीं मिलेगा और जब भी मंगल का साल आता है तो घर जरूर बनवाता है और प्रॉपर्टी के दाम तो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे और खासकर जमीनों के दाम ठीक है तो क्या अगला साल जैसे एग्रेशन का साल है लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं बिल्कुल लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कोई आतंकी हमला भी हो सकता है आतंकवाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है और साथ में जो है आग जलने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं आपने देखा होगा कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी दो में एक नोटबंदी हुई थी और एक जो है गाड़ियों का बहुत तीन चार गाड़ी जो है वो रेल की जो ट्रेन होती है वो एकदम से एकदम से कोलेप्स हो गई थी अगला साल मंगल का है और मंगल जो होता है वो अंगारा होता है

तो हो सकता है कि सरकार के ऊपर भी ये साल जो है जाते 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 भारी पड़ जाए तो कुछ ए, ऐसे गलत फैसले सरकार जो है तैश में आकर ले जाए जो जो पब्लिक को पसंद आए और बाद में जाके वो सरकार के कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये चीजें भी हो सकती है साल में और अवश्य ही और अवश्य ही जो सबका मन पसंद होता है सोना आपका हमारा साक्षी जी को बड़ा पसंद है सोना तो सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे खरीद लीजिए अगले लाख रूपये टाप जाएगा सोना लाख रूपये तो आपको ये नजर आ जाएगा जनवरी फरवरी में नजर आ जाएगा लाख के सोना आपको नजर रूपये प्रॉपर्टी ले लीजिए प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे सेल भागने लग जाएगा जायेंगे और रियल एस्टेट में भी जो लोग है ना उनके लिए बहुत अच्छा है जो कह रहे थे ना कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा वैसे दो हजार चौबीस में काफी कुछ हुआ है रियल एस्टेट में तो वो दो हजार पच्चीस में भी अच्छा होगा और भूमि के दाम भी बढ़ेगी क्योंकि मंगल भूमि का ही कारक है बिल्कुल तो जिन लोगों की जमीने नहीं रही थी ना वो लोग कह रहे थे हमारी जमीने नहीं बिक रही है तो वो लोग टेंशन उनकी जो है अब बिकेंगी और अच्छे दाम भी उनको मिलेंगे शेयर मार्केट में बूम आएगा साहिल जी शेयर मार्केट में पैसा लगा लीजिए लेकिन सोच समझ के हाँ ये भी मैं बता दूं कि शेयर मार्केट जो होता है वो फिफ्थ हाउस से भी देखना होता है हमारी जन्म पत्री से फिफ्थ हाउस जो होता है जुआ सट्टा लॉटरी फिफ्थ हाउस से देखते हैं वो भी देख लीजिए लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जैसे आप खेल जाएंगे अगले साल शेयर

अगले साल आ, योगा से ज्यादा ध्यान से ज्यादा जिमिंग शुरू होगी मंगल क्या है कसरत मंगल क्या है पहलवान तो क्या होगा जिम ज्यादा जाएंगे लोग इस साल आपने देखा होगा कि ज्यादा योगा स्पिरिचुअल ध्यान इसमें ज्यादा गया था ध्यान शनि के पीरियड तो अगले साल में जो लोग जिम से रिलेटेड है जो लोग अपने उनके जिम है और अगले साल जिम वगैरह बहुत खुलेंगे बहुत सारे आप देखना हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड भी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगले साल क्योंकि गर्मी का साल होगा और उसमें मौसम भी बहुत ज्यादा जो है ना वो चेंजेस होंगे तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अपने आप को जो है न, ना क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जिम जाओ जिम जाओ तो आपकी आपकी बॉडी जो है ना उस चीजों के लिए यूज टू हो जाए ये साल था पैसा कमाने का साल और अगला साल है पैसा खर्चने का साल तो मंगल में जो है ना मांगलिक कार्य बड़े होंगे शादियां बड़ी होंगी जो लोग कह रहे थे भी अरेंज तो नजर दोष भी जो है अगले साल बहुत प्रबल रहेगा ठीक है तो एक बार स्टार्ट करते है राशियों से किसकी कौन सी राशि है और उसका साल कैसा जाएगा जो राशियां है वो आपको कैसे देखनी है अब राशि जो है ये आपकी चंद्र राशि से भी हो सकता है और आपकी लगन राशि से भी हो सकता है लेकिन अगर आप इसको लगन राशि से जो आपके Uh, लगन के अंदर लगन यानी कि आपका जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें अगर आपका वन नंबर लिखा हुआ है तो आपका ये मेष लगन के बारे में बात हो रही है तो कई लोग जो है ना कई लोगों को लगन नहीं पता चलता है तो वो राशि से भी देख सकते हैं तो ये दोनों तरीके से प्रोडिक्शन जो है वो हो जाती है क्योंकि ये जो है ना ब्लैंक चार्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंगली होती है तो आप अगर देखिए अगर आप एरीज हैं अगर आप एरीज हैं क्योंकि इसमें सन साइन अलग है मून साइन अलग है और जो है वो ब्लैंक चार्ट अलग है तो इसलिए अगर आप एरीज हैं एरीज यानी कि मेष राशि अगर आपकी है तो आपके लिए जो है इस प्रकार से होने वाला है अब ये जो मेष राशि वाले जो होते हैं ये आपने देखा फ्लॉक ऑफ शीप जो शीप यानी कि भेड़ो का झुंड जो होता है वो कैसे एक दूसरे से पहाड़ों पर चढ़ चढ़ कर भी लड़ लेते हैं आपने देखा पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं और उनको फियर का कोई डर नहीं होता कि हम नीचे गिर गए तो हमारे साथ में क्या हो जाएगा ये डरते नहीं है बिल्कुल भी ऐसी मेष राशि वाले होते हैं इनके अंदर जो ना लस्ट बड़ी हाई होती है

तो थोड़ा सा ये समझ गए अब तो डेली इनकम तो संजय जी इनकी बढ़ेगी बढ़ेगी और इनके फॉरेन ट्रिप्स जो है और वहां पर जाके इनके बातचीत वगैरह जो है ना काफी अच्छा इनका कोई पढ़ने ही जा रहे हैं बच्चे तो पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कोई फॉरन ट्रेवल कर, कर रहे हैं या फिर फॉरन से कोई काम इनके बन रहे हैं तो वो सारे काम इनके बनेंगे तो अच्छा है और शादी के भी इन ये तैयारी कर ले जिन लोगों के विचारों की शादी नहीं हो रही है तो मेरे जो जितने भी प्यारे हैं ये, ये शादी की तैयारी कर लें क्योंकि अगला साल इनकी शादी की तैयारी का है और शादी होने के बहुत अच्छे और सुंदर और सजीले योग आ रहे हैं इनके और यहाँ पर संदीप जी थोड़ा सा इनका जो इनकम का जो इनकम की जो है वो इनके इलेवन टाइम्स इनकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है बट थोड़ा सा लव रिलेशन में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा लव रिलेशन जो है इनका कोई टूट सकता है कोई अफेयर वगैरह चल रहा हो तो वो टूट जाए तो दूसरा आया क्योंकि गुस्सा आ जाएगा ना ज्यादा

अगर आप कोई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और इनको मैं बताना चाहूंगी छोटा सा एक उपाय भी दे देते हैं अब बात कर रही है मेष राशि वालों के लिए तो मेष लगन वालों के लिए मेष राशि वालों के लिए तो आपने क्या करना है कि आपने एरेज जो भी हैं आप लोगों ने बच्चों को छोटे चोट छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कोई जैसे हम पहले हम लोग मैंगो बाइट जो है कि गोलियां खाते थे खट्टी मिट्टी गोलियां वा खाते थे वो बांटते रहेंगे तो इनका साल जो है ये बड़ा अच्छा निकल जाएगा ड्राइविंग कर रहे हैं तो खट्टी मिट्टी गोलियों के बच्चों के जैसे आप स्ट्रीट्स में देखते हो वहां पर उनको पैसे ना देकर उनको अगर ये सामान दे देते हैं कुछ नमकीन के पैकेट दे देते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये ये साल तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा साल है तो अच्छा ही रहेगा इनके लिए अगली राशि के ऊपर आते हैं दो दो नंबर जो है ऋषभ राशि वाले आपको पता है कि गाय है नंदी बैल आपने देखे ही है तो नंदी बैल जो है अगर ये ऋषभ राशि वाले ये हार्ड वर्किंग बड़े होते हैं क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट वाली राशि है मेष राशि जो थी वो फायर एलिमेंट वाली उनके अंदर पहले से आग जल रही है और जो है वृषभ राशि वाले थोड़े अर्थी वाले लोग होते हैं अर्थ यानी कि ये लोग ना स्टेबिलिटी ज्यादा देखते हैं आप इनको वृषभ राशि वालों को ज्यादा उड़ते उड़ते नहीं देखोगे आप ये हर चीज को करेंगे ना कोई कुछ को, को, को बोल भी देगा ना अरे तुम्हारे साथ में ऐसा होने वाला हो अच्छा ठीक है ठीक है समझ गए समझ गए तो ये ज्यादा भावनाओं नहीं आते हैं मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे कि अब साक्षी जी ने बताया कि मेष राशि वाले थोड़े अग्रेसिव होते हैं ऐसे वृषभ जैसे आपने कभी बैल देखा है अगर देखिए हमारे सनातन धर्म में हमारे अगर हम सिर्फ चिन्हों को देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये राशि किस प्रकार की है अब इसमें नंदी बैल बोला गया राशि वालों को वृषभ लगन वालों को राशि वालों को अब ये लोग सांड पर्टिकुलर सांड पे आइए सांड कैसा होगा आराम परस बैठ गया जहां बैठ गया खड़ा हो गया जहां पे खड़ा हो गया आप वर्न में जाते रहिए वो नहीं उठेगा इन्हें ना बड़े लेट लती होते हैं सांड कैसा होता है लेट प्यार का बड़ा ही शौक रहता है इनको आपने देखा होगा जो सांड होता है, वो बीस पच्चीस सौ सौ गाय में ऋषभ तो तो राशि वालों दिश्वराशी वाल। लड़ाई झगड़े का कोई इनका मूड नहीं रहता है बड़े शांत सवाल को देखिए सांड को देख के आपको डर लगेगा लेकिन वो शांत बहुत होते हैं हाँ अगर इनकी लड़ाई हो जाए कहीं श्री राधे फिर इन्हें कोई नहीं संभाल सकता फिर तो इन्हें जैसे सड़ को नहीं संभाल सकता है ना सारे भगते हैं ना कि भाई इसलिए टक्कर ही मार दी कहानी खत्म हो जानी है सॉलिड इतना है भैया वो डुलना उसका बहुत है तो इसी प्रकार से ये भी वृषभ लगन वाले जो होते हैं या राशि वाले ये भी इन्हें गुस्सा जय इनके आस पास आओगे हल्का सा झटकेगे आपको झटका लगेगा बड़ा जबरदस्त क्योंकि सांड तो ये प्रवृत्ति होती है वृषभ लगन अब देखिए से आप जानवर को, देख को देखो एक रूट, आएगा, एक रूट से चेंजेस अच्छे नहीं लगते अपनी लाइफ में इनको तोड़ फोड़ अच्छी नहीं लगेगी चेंजेस अच्छे नहीं लगेंगे इनको धीरे धीरे करना सब कुछ अच्छा लगता है इन्हें ना फास्ट कुछ भी अच्छा नहीं लगता जीवन में इन्हें इसीलिए कहा जाता है अगर ये जल्दी उड़ जाए जल्दी काम कर ले तो जिंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं तो वालों को जो है ना अपने डेली रूटीन को चेंज करना है पहली बात तो ये हो गई क्योंकि मंगल का साल है तो मंगल को नहीं पसंद है बिल्कुल भी जो है ना वो आराम से लेटे रहो आराम से बैठे रहो तो इनको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा ये देखिए कितनी पूरी बात जो है समझ में आती है कि मंगल एक्शन है और ये कहते हैं भाई बैठे रहो तो वो बैठना नहीं है इनको एक्शन लेना है और इनसे आपने पंगे भी नहीं लेने क्योंकि अगर में आएंगे तो फिर आपका रिएक्शन खराब हो जाए है ना? सब वालों के लिए तो बहुत अच्छा और दे, दे, हैबिट, हैबिट्स तो अपनी जल्दी चेंज तो करते नहीं है लेकिन ये साल जो है इनके लिए अच्छा है और बहुत बढ़िया है क्योंकि कर्म स्थान में इनके जो शनिदेव चल रहे थे तो वो इनको अब लाभ में आ जाएंगे मार्च में तो इनको लाभ ही लाभ जो है वो देंगे और इनका लाभ इतना बढ़ा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत बढ़िया मतलब आ, रहे हैं। में में आ जाएंगे। अगर हम दो नंबर लगन में लगाए तो ये अब शनिदेव इनके ग्यारहवे भाव में आ जाएंगे और खूब मोटा मोटा धन मतलब ये अब अपनी कलम से खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं आप ये कह सकते हैं ये साल जो है टॉरस वालों के लिए आ, खुद आ, क्या बोलते संजीव जी लिखे खुद विदाता खुद विदाता हाँ अपनी कलम से खुद लिखेंगे जो हाँ मतलब जो जैसा चाहेंगे वैसे अपनी कलम से लिख सकते हैं अपनी किस्मत ये इसका मतलब है पर्टिकुलरली तो ये जो है ना जो चाहेंगे वो मिलेगा लेकिन इनके साथ में इनको बस मेहनत करनी है एक्शन जो है इनको लेना है और ये जो है रो, रोग ऋण शत्रु इस साल इनके दूर हो जाएंगे सफाया सफाया हो जाएगा रोग ऋण शत्रु इनके लिए बड़ा अच्छा साल है पहले तो इनको लाभ बहुत अच्छा मिलना है दूसरा ये आ, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं जितनी बढ़िया लिखना चाहे इस साल और मुबारक हो इनको क्योंकि रोग बीमारियां ऋण कर्जे शत्रु दुश्मन सारे साफ हो जाएंगे इस साल बस थोड़ा सा माता का इनका द्या, इनको ध्यान रखना है और इनका घर इनका चेंज ऑफ हाउस हो सकता है इस साल में जो लोग सोच रहे थे कि हमारा घर चे बदल जाए घर बदल जाए तो घर टन ना करे घर इनका बदल सकता है तो इनके लिए अच्छा समय आ रहा है और कर्म स्थान में भी इनको बहुत ज्यादा इनको फायदा होगा तो इनका जो ना कोई ऑफिस में चेंज हो सकता है और जो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे उसका अब रिजल्ट इनको बहुत अच्छा आ जाए बहुत बढ़िया बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि फरेम झूठ थोड़ा इस चीजों से बचे इनकी रेमेडी दिखु दिखु। मतलब इनके लिए तो एक ही टैग लाइन है कि अगर ये मेहनत कर लेना तो मिट्टी को भी सोने में बदल देंगे मिट्टी भी सोना उगुलेगी अगर राशि वाले मेहनत कर लिया आपने तो टॉरस वालों के लिए बता रहे हैं मिट्टी भी सोना उगुलेगी मिट्टी में हाथ डालोगे सोना निकाल के निकलोगे तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है ये सिर्फ हम लोग जो है ना सिर्फ इनको रेशानी से नहीं बता रहे हैं ये आपको ये आपको हम आपको न्यूमोलॉजी से बता रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं और जो बड़े बड़े गोचर होने वाले हैं 2025 में शनिदेव बदलेंगे अपनी चाल उसके बाद ये जो है मार्च में शनिदेव बदलेंगे चाल उसके बाद गुरुदेव बदलेंगे अपनी चाल राहु केतु भी बदलेंगे अपनी चाल ये चार मेजर प्लान है तो उनको मिलाकर हम सारी प्रोडिक्शन आप लोगों को दे रहे हैं यानी कि सिर्फ न्यूमोलॉजी है या फिर एस्ट्रोलॉजी है ये पूरे ग्रहों के गोचर के हिसाब से दे रहे कि पूरा साल आपका ऑन द होल कैसे जाने वाला है ठीक है अब जैमिनी की तरफ आते हैं जैमिनी की तरफ आते हाउस में तीन नंबर लिखा है हाँ जो जामरीज होते हैं और जो मिथुन राशि वाले होते हैं तो ऐसे लोगों को ना फेलोशिप बड़ी पसंद होती है इनको लव पसंद है इनको रोमांस पसंद है इनको काम करना पसंद है क्योंकि ये एरी साइन है ये एक बट में ना ये उड़ने में विश्वास रखते हैं धीरे धीरे काम करने में विश्वास नहीं रखते ये आपको उड़ते में मिलेंगे आपने कहा इनका जैसे अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बना लिया ना तो ये सोचेंगे आज ही मिलियन हो जाए आज ही मिलियन हो जाए कोई काम करेंगे इनको लगता है आज ही सब कुछ हो जाए और वो एक चीज़ है ये बहुत जल्दी बोल भी हो जाते हैं मिथुन राशि जो है वो किससे ऑपरेट हो रही है बुद्ध बुद्ध क्या है लड़की बुद्ध बुद्धि बुद्ध बुद चलाकी बुद्ध इंटेलिजेंसी अब ये मिथुन लगन वाले मैंने देखा देखिए अगर आपने जिंदगी सुखी से गुजारनी है तो मिथुन लगन वालों से शादी जरूर कह आप क्यों क्योंकि ये नपितुरी चीजें होती है इनकी दिमाग इनका साफ होता है इंटेलिजेंट होते हैं हर फील्ड में नंबर वन होते हैं मिथुन लगन वाले अब जिनकी हो चुकी है वो दोबारा कर ले वो तो देखिए आपकी श्रद्धा है कि आप करना चाहते हैं फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप कर कर ले लीजिए तो आपका बेड़ा पार लगाएगी वो अवश्य ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं देखिये अपने काम के वर्क प्लेस पे एक नंबर थ्री जो नंबर फाइव वाली जिसका बर्थडे जो है ना फाइव को आए या फिर ट्वेंटी थ्री को आए या फोर्टीन को आए ऐसी लड़की रखनी चाहिए या ऐसी ऐसे पर्सन रखने चाहिए जो आपको काम में आगे आपको बढ़ाएंगे वो आपको रोज रोज क्रिएटिव आइडियाज देख देखिए ना बुद्ध है बुद्धि है वो भागेगा तेज अब देखिए मेरा जो है मैं मैं वृषभ लगन का हूँ जो इससे पहले मैंने बताया साक्षी जी मिथुन लगन की है तो साक्षी जी, जी जो है वो फास्ट है मैं स्लो हूँ साक्षी जी को जल्दी 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 करना होता है आज ये कर रहे तो कल वो करेंगे कल वो कर रहे तो परसों तरसों तरसों तक तर्� की प्लानिंग तैयार है हमें आज की प्लानिंग नहीं है <laughs> तो देखिए अच्छा है ना अब साक्षी जी मिथुन लगन है दिमाग तेज इंटेलिजेंट ये कहेंगे यू चेंज करो यू चेंज करो ये भी चेंज करो ये भी चेंज करो। अब वृषभ लगन वाला घबरा जाएगा यार इतनी सारी चीजें चेंज हो रही है मैं क्या करूं <laughs> चेंजेस अच्छे नहीं लगते ना भाई सांड बताया ना सहता है आराम से होने तो मुझे कोई जल्दी नहीं है जिंदगी में तो देखिये कितना फर्क पड़ता है एक लगन या राशि से देखिए आप चेंज हो गया बिल्कुल नेचर चेंज हो जाता है लेकिन मिथुन लगन वाले या राशि वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते बातों बातों में इंसान को खा जाते हैं और अपने परिवार को बनाने की कोशिश करते हैं अगर पार्टनर गंदा भी मिल जाए उससे भी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं शांत करने की कोशिश करते हैं दिमाग से चलते हैं कि इसको कैसे टैकल करूं, इसको ऐसे टैकल करूं, ऐसे टैकल करूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जीवन में ऋषभ लगन वाले भी कर लेते हैं मिथुन लगन वाले भी कर लेते हैं थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सा मिथुन लगन वाले अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं सब कुछ मैनेज करने की क्योंकि भाई बुद्ध बुद्धि बुद्ध बिजनेस बुध पैसा तो मैनेजमेंट बुध मैनेजमेंट तो मैनेज करने का सब हर चीज को होल्ड करने की कोशिश करते हैं मिथुन लगन वाले सब अपने हाथ में लेने की कोशिश दिमाग है वो लेगा ही अपने हाथ में सब कुछ उसे लगेगा मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूँ जी मिथुन लगन वालों के लिए जो है ना बहुत ही बढ़िया साल जाने वाला है उनको भी घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल माइंड ब्लोइंग साल मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो बहुत बढ़िया मुबारक मुबारक हो तो इनके जो है ना इस 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 2025 में इनके एक लाख दोष दूर होंगे क्योंकि शनि राहु केतु और जो है बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन बाकी आपकी देखो कुंडली भी काम करती है कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं वैसे अगर ऑन द होल देखें तो तीन नंबर वालों के लिए तो ये साल जो है ये अच्छा जाएगा क्योंकि तो तीन नंबर जो है वो मिथुन लगन का नंबर है तो ये इनके लिए साल तो अच्छा काम अच्छा बहुत ज्यादा हो जाएंगे आप लोगों के इस साल तो थोड़ा सा मिथुन लगन वालों को मेरे प्यारे लोगों को मैं जो, जो है ना वो सिगरेट रख के चलना होगा थोड़ा जैसे काम बन रहे हैं या कोई प्लानिंग बना रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कोई स्टार्टअप कर रहे हैं उसको छुपानी है बातें थोड़ी सी ज्यादा उजागर करेंगे और तो बहुत बढ़िया होगा अरे मेरा तो ये हो गया अरे मैं तो इतना कमा रहा हूँ मेरा वो काम होने वाला है और मैं वो भी प्लान कर रहा हूँ तो वही बस वही खत्म क्योंकि मंगल है ना वो नौ नंबर मंगल पद को भी रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल बिल्कुल इस साल इनकी यात्राएं बहुत होंगी खूब यात्राएं करेंगे और ये ऐसा नहीं है वैसे मिथुन लगन वाले, वाले अगर यात्राएं करें फायदा भी होता है तो इनकी क्योंकि काम बढ़ेगा चीजें बढ़ेंगी पैसा आएगा बंदा कहेगा चलो घूमने फिरने चलते हैं तो ये इस साल घूमेंगे फिरेंगे ऐश भी करेंगे और इनको ना ऐसे लगता है कि कहते कि ना मैं काम करता रहू ठीक है और ना ये अपने ना मतलब और बाकी चीजों को एंजॉय नहीं करते लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब ये इंजॉय करेंगे तो इनके पास और पैसा आएगा तो अगला साल जो है ये इंजॉय करने का साल भी है जो लगन वालों के लिए, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं बच्चों का प्लान कर लें मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले कह लीजिए उनके संतान के बहुत सुंदर बहुत ही प्यारे योग आ रहे हैं तैयारी कर लीजिए जल्दी से जो भी मतलब काफी समय से कोशिश कर रहे हैं नहीं बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे तो तैयारी कर ले बहुत अच्छा साल आ रहा है आप लोगों के लिए और ये जो साल है ना इनके लिए ये नेम फेम गेन और नॉलेज का साल है तो नॉलेज भी बढ़ेगी नेम मिलेगा फेम मिलेगा गेन भी होगा तो बहुत बढ़िया साल इनके लिए आ रहा है और आ, जो बेचारे कवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है इनकम तो बढ़ी रही है भैया काम धंधा भी बढ़िया हो गया तो शादी की तैयारी कर लें अगले साल हम तो अब जामिनी के लिए जो है ना एक बड़ा अच्छा सा एक इनको एक उपाय बता देती हूँ ये उपाय शायद आपको कहीं सोशल मीडिया वाला कहीं पर भी नहीं होगा और ये उपाय है कि आपने एक मगरमच्छ का स्टैचू लाना है मगरमच्छ का स्टैचू जो है ना वो आपने अपने घर पर रखना है चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो तो ये अगर आप अपने घर पर रखेंगे और अगर इसे आपने अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन में रख दिया तो फिर आपकी पाव बारा हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया जो है चाहे गोल्डन हो सिल्वर हो कैसा भी हो लेकिन रखना आपको वेस्ट में है और मिथुन लगन वालों ने रखना है जिनका भी जमीनी जिनका भी राशि है चाहे उनका लगन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे लगन बताए तो लगन से देख लो राशि बताए तो राशि से देख ली लेकिन आपको रखना है क्योंकि लगन का इफेक्ट भी हमारी लाइफ में पड़ रहा है और राशि का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है तो इन दोनों चीजों का इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है तो आपको आप ये रखेंगे तो इससे आपको फायदा ही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ आते हैं

करक लगन वाले जो जातक मैंने देखे हैं करक लगन वाले का साइन क्या होता है कैंसर का केकड़ा केकड़ों को आप छेड़ दो तो क्या रिएक्शन करता है वो एकदम से जरा छेड़ दो तो कोई लेना देना नहीं देखना नहीं कौन है कौन नहीं है कर्क लगन वाले लोग जो होते हैं जो मैंने देखे चार नंबर चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं अब चंद्रमा क्या है शांत शीतल लेकिन पानी की क्या टेंडेंसी होती है रुकता नहीं है ना कल 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 चलता रहता है अगर ये जीवन में चलते रहे तो तो ये सही रहते हैं जहां ये एक जगह इकट्ठा हो जाए रुक जाए वही खत्म हो जाता और सतीश जी क्योंकि इसका साइन भी वॉटर ही है तो और पानी चलता हुआ ही स्वच्छ रहता है रुक गया वही सड़ जाता है पानी दूसरा इनकी फीलिंग्स बड़ी जल्दी चेंज होती है भावनाएं इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता इनके अभी गुस्सा है खुशबू हो जाएंगे अभी खुश है आपसे से बात बात कम जाएंगे एक खाने को पड़ जाएंगे और इनको ना अपनी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी लगती है पर्सनल लाइफ कैसे मेरे मालिक ये अगर कमरे में बैठे हैं ना चुपचाप इनको ना कमरे में अप, अपना कमरा अपना टीवी अपना मोबाइल ये बड़ा मजा आता है इनको अगर ये कमरे में अपने बैठे हैं और इनका मूड ने यह बात अगर आपने इन्हें छेड़ दिया करक लगन वाले या करक राशि वालों को हैं से क्या 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 क्या, 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 क्या। जब तक इनका नहीं सकते हैं। और सुस्त। उठना नहीं नहाना नहीं आराम आराम अनाम। राजकुमारी राजकुमार टाइप होते हैं एक तो मैंने आपको वृषभ लगन बताया दो नंबर जो शुक्र और ये चंद्रमा ये राजकुमार राजकुमारी आराम से खाना आराम से सोना इनका नहना भी लेट और लेट थोड़ा सा ये भी थोड़ी जल्द जल्दी कर ले तो बड़ा सही रहता है इनके लगन वालों के लिए तो बहुत समय भी आ रहा है क्योंकि इनकी ढैया जो है वो खत्म हो जाएंगी मार्च में तो ढहिया जो है इनको शनि की ढहिया लगी हुई थी वो इनकी खत्म हो जाएगी तो इनके बहुत सारे काम जो है वो बनेंगे कर्जा उतरेगा इनका कर्जा उतर जाएगा हाँ और ये जो है ना लेकिन फिर थोड़ा सा जो है ना जब राहु केतु चेंज होंगे तो राहु फिर इनके बेचारा शनि गया है और राहु बेचारा इनके अष्टम में आ जाएगा तो फिर टांग में कोई चोट या एक्सीडेंट का योग दोबारा से बनाएगा तो इनको जो ना अपने ना थोड़ा सा एक्टिव करना है जितना एक्टिव करेंगे जितना वाटर एलिमेंट को समझेंगे पानी का इनटेक करेंगे वाटर एलिमेंट को समझेंगे तो उतना ज्यादा है जो ना इनको लेकिन लेकिन जी थोड़ा अब इस साल से 2024 से 2025 25 इनका बैठर जाएगा किस्मत साथ देगी कहीं ना कहीं इनकी डिया जा रही है जा रही है चलिए राहु अगर अगर हम लगन से देखे चार नंबर अगर हम पहले घर में ले आए तो अष्टम में इनका राहु आ रहा है ऑब्वियस सी बात है लेकिन कहीं ना कहीं ढैया का समाप्ति होना किस्मत का साथ देने का एक साइन हो जाएगा इनका सगल कहीं ना कहीं 2024 से बढ़िया मतलब कम हो जाएगा कड़क लगन वालों के लिए तो कभी झूला ऊपर रहेगा कभी झूला नीचे रहेगा लेकिन पहले से बेटर होगा वो कर्जा भी तो तभी उतरेगा जब काम धंधा थोड़ा चलेगा बेटर रहेगा मतलब हेल्थ का ध्यान रखें खासकर जो है दोनों टांगों का ध्यान रखें टांगों का ध्यान इनको रखना है खासकर हेल्थ का तो वो थोड़ा सा देखेंगे तो बढ़िया ही साल जाने वाला है आउट आउट ऑफ ऑफ द वे जाके ना सोचे बहुत ज्यादा जैसे क्या होगा कि अगले साल एकदम से चीजें ठीक होने लगेंगी ना इन्हें लगेगा यार तेरे की लंबी जंप लगा दू वो नहीं करना संभल के थोड़ा सा चलिए जैसे मैंने बताया ना पानी रुक रुके ना चलता रहे लेकिन ऐसा नहीं ना पानी पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे जंप नहीं लगाता ना धीरे धीरे आता है जगह बना के आता है तो इन्हें लगेगा कि यार मेरा ठीक वक्त आ गया सीधा जंप लगाऊं नहीं आपको पानी के तरीके से अपनी जगह बनाते हुए हो, सेटल होते हुए नीचे आना है अगर नदी में आपको मिलना भी है तरीके से आना है आप नहीं लगानी थोड़ा सा सबर करके और ये जो है ना इसके लिए ये क्या इनके लिए क्या एक उपाय है कि जितना परोपकार करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा तो थोड़ा दान बुन करते रहे इनके लिए बढ़िया रहेगा और अंधो हाना खिलाएं जरूर से इनके जो है जीवन में प्रोग्रेस वगैरह भी होनी शुरू हो जाएगी तो ये लोग ये कर सकते हैं जो भी कर्क रगल वाले हैं तो इसके लिए ऑन द होल जो है ना बढ़िया ही साल है पहले से बेटर अपॉर्चुनिटी पहले से बेटर रस्ते खुलेंगे और काम के जो है ना मौज होगी बेफिक्र रहे आपका समय अच्छा है आगे चलते हैं लियो की तरफ आते हैं होते हैं आपने देखा है एक शेर को देखा है ना शेर जो है हमेशा रस्टिंग मोड पे होता है और जो है क्या कहते हैं कि ये लोग जो है ना जब शेर जो है अटैक कब करता है जब वो हंगरी होता है तो ऐसे ये लोग जो है ना अपनी टेरिटरी में रहना चाहते हैं ये लोग जो है ना दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते और ये लोग जो है ना ये ये भी नहीं चाहते कि कोई इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करे तो ये लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने अपने काम से अपने काम रखते हैं और शेर जब होता है ना तो ये जब तब किसी के ऊपर अटैक करता है जब उसको भूख लगती है ना तो लियो का साइन जो है वो शेर का साइन है तो उससे आप थोड़ी सी इनकी क्वालिटीज को समझ सकते हैं और बाकी अगर हम देखेंगे कि कि अगर यानी सिंह राशि वालों के लिए या सिंह नंबर जिनके भी लगन वाले जो लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इसका क्या रीजन है शेर की प्रवृत्ति तो आपने देखी होगी राजा राजा कहता मेरा हुक्म चलेगा आपने देखा है एक ही राजा छे छे साथ शेरिया रखता है और उन्हें मारता भी है शेर को कभी देख लेना गुस्सा आ जाए मारता है शेरनी को तो इनकी प्रवृत्ति आपको क्या झलकती है डोमिनेटिंग डोमिनेंस डोमिनेंस मेरा एक अधिकार मेरे राज में कोई नहीं आ सकता ये मेरा एरिया है कोई शेर नहीं आएगा इसके अंदर इससे क्या झलकता है कि ये थोड़े गुस्से वाले जिद्दी ईगो अपनी चलाने वाले पता चल रहा है ना सिंह लगन शेर और इनके साथ अगर आपने जिंदगी बितानी है तो आपको हाँ जी जी करना ही पड़ेगा लेकिन हाँ ये सच्चे बहुत होते हैं ईमानदार बहुत होते हैं मतलब ये धोखाधड़ी इनके अंदर नहीं होती सच्चाई पे चलते हैं क्योंकि सिंह लगन सूर्य भी बोला गया है ये अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा करते हैं अपने भाई बहन रिश्तेदारी पत्नी बच्चे सबको सबके लिए करते हैं ये इनके अंदर करने की भावना होती है जस्ट लाइक सन सूर्य की क्या प्रवृत्ति है सूर्य समान रूप से सबको एनर्जी देता है समान रूप से लाइट देता है कहता है नहीं मैं मैं तुझे कम दूंगा तुझे ज्यादा दूंगा नहीं कहता ना ऑक्सीजन सन की वजह से हमें मिल रही है सबको मिल रही है करता बेचारा सन कि तेरे को कम मिलेगी तूने मुझे नहीं दिया कुछ तूने मुझे पानी नहीं चढ़ाया नहीं करता ना तो इसी तरह से इनका बेसिक नेचर यही है सन और ये कितने पंक्चुअल होते हैं देखिए कई खराबिया कई अच्छा भी तो है ना सुबह जल्दी उठना जल्दी काम पे जाना एक्शन मोड पे रहना हमेशा ही काम के प्रति बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते काम करना है तो करना है इन्होंने ये सिंह लगन वाले इतने स्ट्रांग होते हैं और कभी भी आप देखेंगे आप सिंग लगन वाले अलग चमकते हुए दिखेंगे आपको उनका हाव भाव उनके आपको अलग दिख जाएंगे ये सिंह लगन का बंदा है चाहे वो होंगे कोई मोटे वोटे नहीं होंगे बिल्ड बिल्ड कोई ज्यादा अच्छी नहीं पतले दुबले भी ऐसे होंगे लेकिन आपको नजर आ जाएंगे कि वो ही है मतलब ईमानदारी और परिवार के लिए करना पंक्चुअलिटी कोई इनसे सीखे तो अच्छी थे 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 कि एक पार्टी है एक पार्टी में एक, एक बंदा जो ना अकेरा जाकर अलग से बैठा हुआ है ठीक है ज्यादा किसी के साथ में गौसे वो से चीजें नहीं कर रहा तो वो आप समझ जाएगी सिंह लगन वाला ही होगा अगर आपका कोई भी अगर सिंह लगन का पर्सन है या कोई कोई भी पर्सन नंबर वन का है नंबर वन इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय सन तो ऐसे लोगों का ना जब भी ये लोग आपके पास में आ जाते हैं आपको बच्चा हो सकता है वन वन नंबर 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 का number, number, या फिर 28 number, तो बच्चा भी हो सकता है पति भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो आप इन लोगों के ना चाहते ना बस थोड़ी सी प्रेस कर दो बस क्या प्रेस कर दो अरे आपको तो भैया इतना बढ़िया आपका तो और ही इतना अच्छा है आपका ये अच्छा है आपको वो अच्छा वैसे ही ये आपके मुरीद हो जाते हैं तो ये जो है ना अगर आप इनका थोड़ा सा कर देंगे ना तो इनका मोड़ बड़ा अच्छा हो जाता है बाकी तो कर कर लेकिन काम तो आपको साथ में दिखाना पड़ेगा लेकिन इनके साथ में डेवलप होने के लिए ना आप इनको थोड़ा सा ऐसे करके कर सकते तो इनका मूड बड़ा अच्छा हो जाता लेकिन अगला साल कैसा जाएगा इनकी शादी जिंदगी में लड़ाई झगड़े के काफी योग बनेंगे थोड़ा सा कृपा करके ये थोड़ा अपनी शादी का ध्यान रख ले इस साल और लड़ाई झगड़ा कम करें अपने पार्टनर के साथ तो बहुत बढ़िया रहेगा थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश करे थोड़ा सा संयम बनाए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अपने पार्टनर को उसकी फीलिंग को थोड़ा सा ये ध्यान रखें अगले साल नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बात बढ़ सकती है दूसरा इनको अपने फादर का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फादर हो सकता है फाइनेंशियली मेंटली या इमोशनली कहीं ना कहीं सेटबैक ये देखें फादर के ये। और थोड़ा सा टांगों का भी ध्यान रखे ठीक है टांगों का ध्यान रखे और घर में कोई ना कोई जो है ना बैड न्यूज भी कहीं पर मिल सकती है जैसे कोई रिश्तेदारी में किसी की जो है कोई इस प्रकार से कोई बैड न्यूज मिल जाएगी कि कोई किसी का हेल्थ वेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा आ गई या इनके खुद के टांगों का ध्यान रखना है इनको बहुत ज्यादा टांगों में कोई चोट ना आ जाए और जो है ना पार्टनरशिप में कोई धोखा ना मिल जाए पार्टनर चीट ना कर ले तो ये सारी चीजें जो है ना क्योंकि एक तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है फिर पार्टनरशिप में भी दिख रही है फिर थोड़ा हेल्थ का भी दिख रहा है तो इनको जो ये साल है ना थोड़ा सा अच्छा अपने आप को मेंटेन करके चलना है वैसे तो देखो सिंह लगन है अगर हम न्यूमोलॉजी की तरफ देखें तो फिर इनका बचाव हो जाएगा बचाव हो जाएगा लेकिन फिर भी भी इनको ध्यान जो रखना रखना है है वो तो रखना ही है। ये इनकम के इनके रस्ते भी खुलेंगे इस साल ये भी एक अच्छी बात है और जो लोग बेचारे रोमांस में उनके शादी के रस्ते भी खुलेंगे तो ये जो है ना बंदर बंदर जो होते हैं वो जो है ना सूर्य का कारक होते हैं तो ये बंदरों को अगर गोड़े चना खिलाएंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस साल थोड़ा सा ये ध्यान रखे कि इनको पैसों को लेकर धोखा हो सकता है जैसे कोई दोस्त यार कोई पार्टनर इनको पैसे को लेकर धोखा दे सकता है ये थोड़ा सा ध्यान नॉन वेज ड्रिंक इसको अवॉइड करें नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह जो भी लोग इनके बन सकते हैं इस साल आगे चलते है कन्या लगन वाले जो होते हैं आपको पता है ये भी बुद्ध की दूसरी राशि है कन्या वाली तो यहाँ पर जो कन्या लगन वाली लड़की होगी जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं कन्या लगन वाली लड़की होती है तो ये सारा फैशन जो है ना यही क्रिएट करते हैं जो है ना कैसे बिंदी कौन सी लगानी है कौन से सूट के साथ में कौन सी बिंदी लगानी है कौन सा चलेगा कौन सी सारी मैचिंग पूरी करते हैं और इनको मेकअप वगैरह की जो है ना बड़ी इनको जो है आ, बड़ी एक इनको समझ होती है अगर ये कोई कोई फैशन की बात करवा लो कोई लुक्स की बात करवा लो दे दे वांट टू लुक यंग एंड सेक्सी तो ये कन्या लगन ऐसे होते है क्योंकि लड़की का साइन है है ना तो ये जो है ना इस प्रकार की जितने भी फैशन की नई नई ईजात करते हैं यही करने लगन वाले जो है ना लोग करते हैं और बहुत ज्यादा ये क्या होती है बुद्ध की दो राशियां होती है एक मिथुन और एक कन्या तो ये कन्या राशि वाले जो है ना हर चीज की बहुत डीप में जाकर उसकी रिसर्च करते हैं मतलब अगर हम जैसे अब मिथुन लगन वाली को लड़की होगी वो तो कहेगी चलो भाई कपड़े पहनगे चलो बस देख लेगी चलो भाई ठीक है अब कन्या लगन वाले करेंगे मेरी क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए मेरा जो ना मैं मेरी मैचिंग लिपस्टिक होनी चाहिए मैचिंग बिंदी होगी मैचिंग होगा और ऐसे अपने काम के अंदर भी ये बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो ये थोड़ा सा करने लगन वाले होते हैं ऐसे लोग लेकिन अच्छे होते हैं ये लोग और बड़ा ही प्यारा साल आ रहा है इनके लिए तो शनि शनिदेव की फुल कृपा आने वाली है फुल कृपा रहेगी इनके ऊपर रहेगीवेंथ हाउस में इनका शनि आने वाला है और हाउस में शनि इतना इतना भर 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 के के देता देता है है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको ये जिनको नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएंगे तो ये साल है चमकने का विदेशों में घूमने का और अपने जीवन को जो है चमकाने का ये साल जो है ये बहुत ही बढ़िया है कन्या लगन वालों के लिए कन्या राशि वालों के लिए इस साल जो है इनको मल्टीपल सोर्सेज से इनके पास जो है वो पैसा आएगा और ये साल जो है ये कोर्ट केसेस भी इनके अगर बहुत समय से चल रहे थे तो कोर्ट केसेस भी जो है वो इनके खत्म होंगे और ये जीवन में आगे बढ़ेंगे बस थोड़ा सा ये ध्यान दें कि इस साल शनि का दान ना करें अब देखिए क्या होता है नॉलेज नहीं होगी और शनि सेवन्थ हाउस में आए हुए हैं और इन्होंने किसी बेचारे नए नए एस्ट्रोलॉजर को पत्रिका दिखा दी तो वो बेचारा कहेगा शनि आपका नीच का है जन्म पत्री में रे वो देखेगा नहीं गोचर से शनि सेवंथ हाउस में आया हुआ है भर भर के देखे जाएगा वो दान करते शनि कुछ देखे नहीं जाएगा इन्हें इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर और गुरु से जैसे मैं पहले भी एपिसोड में आपके आए थे मैंने कहा था जन्म पत्री डेट ऑफ बर्थ ओ टाइम दे दो फिर बैठ जाओ और गुरु को बोलिए तो देखो गुरु आपको क्या बताता है कुछ बता पाता है कि नहीं बता पाता है पहले गुरु की क्लास लो गुरु को बोलने दो अगर गुरु आपके पत्रिका के बारे में आपके बारे में आपके परिवार के बारे में आपके जीवन के बारे में आपके पास के बारे में आपके प्रेजेंट के बारे में आपके फ्यूचर के बारे में और क्या समस्या आप लेके आए हैं उसके बारे में नहीं बता पा रहा है तो वो गुरु नहीं है वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है मेरी नज़र में तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे हमने बता तो दिया आप लोगों के गोचर से शनि जो है वो सेवन्थ हाउस में आ जाएगा

और जो है मजदूर भी हमारे शनि के कारक होते हैं उनकी फैक्ट्रियों लगे। और ये लग तो अपनी पत्रिका को तो जब तक समझ नहीं लेते ना तब तक आपको उसके दान नहीं करने ऐसे पालतू में आज ये दान कर दो आज वो दान कर दो आज ये कर दो आज वो कर दो वो चीजें मत करो क्योंकि अब आप अपने आपको जो है ना समझो और इसके लिए तो हम आपको जो है ना कोर्स भी कराते हैं बच्चों को कि जो है ना जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो लोग अपनी ग्रहों को समझ जाए ताकि कोई उल्टे सीधे उपाय करके अपनी लाइफ को बर्बाद तो ना करे कम से कम राशियों को तो समझ जाए अब आपको भी जो है ना कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के आप लोग इंटरव्यू लेते हैं तो आपको भी बारह राशि समझ में आ गई कि हाँ भाई महेश के बाद तो भाई मरीशा भी आएगी या मेष के बाद जो है वो नींद तो आ नहीं जाएगी है ना तो ऐसे अपने जो थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने समझो ताकि हम अपने परिवार का अपने पति का अपने बच्चों का खुद का भी हम जो है पत्रिका देख कर कुछ देख सके कि हमारा कौन सा ग्रह उचका बैठा है कौन सा नीच का बैठा है कौन से दान करने हैं कौन से नहीं करने हैं कौन से ग्रह हमारे पक्के करके हैं कौन से ग्रह राशि फल के कई लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो नए नए छाप एस्ट्रोलॉजर जो बन रहे हैं वो क्या कराते हैं लोगों के पक्के ग्रहों के उपाय करा देते हैं अब पक्के ग्रह के उपाय करवाने से क्या होता है कि आपको उसकी सारी नेगेटिविटी उन एस्ट्रोलॉजर्स में पड़ती है तो क्या होता है ग्रह को जब आप छेड़ोगे तो वो ग्रह जो है वो उसका तो बुरा करेगा करेगा आपको भी पकड़ेगा ठीक है कोई डॉक्टर नहीं है कि आपने उसकी उल्टी टांग का ऑपरेशन कर दिया तो आपको कुछ नहीं होगा आप बस जेल में जाओगे उसके बाद तो ग्रह जो आपकी क्लास लगाएगा वो एक अलग बात है ठीक है कई एस्ट्रोलॉजर्स के आपने देखोगे फेस काले हो गए माथे काले हो गए किसी की टांग टूट रही है, किसी गमल टूट रही है, बच्चों का ऊपर इफेक्ट आ गया है, तो आपको ग्रह के लोगों के जो उपाय है ना वो सोच समझ के दो ये नहीं कि रील वायरल करनी है ये करना है, वो करना कुछ भी बोले जाओ चाहे गाय को ये डाल के आ जाओ भैंस को वो डाल के आ जाओ बैल को वो डाल के आ जाओ ऐसे नहीं ठीक है ना तो ढंग से आप उपाय करो खाने की चीजें और जो रेमेडीज होती है वो तो देखो वो सेफ साइड की रेमेडीज होती है आप कुछ भी किसी को दान दोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन ये है कि कोई चीज आप जल प्रवाह कर रहे हो कोई चीज आप दबा रहे हो कोई गड्ढे में दबा रहे हो तो उसका ग्रह भी वो गड्ढे में जा रहा है करने वालों के लिए तो हमने बताया है कि वाह साल है तो मजे लेने का साल है बस इन लोगों को थोड़ा सा अपना वजन ना बढ़ने दे वजन अगर अपना बढ़ा दिया इन्होंने तो यहाँ पर इनको दिक्कत परेशानी आ जाएगी और काली गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं वो उनके लिए बढ़िया रहेगा तो काली गाय की सेवा में आप उनको हरा चारा डालें काली गाय को पालक खिलाएं अब काली ना मिले तो सफेद को भी खिला सकते हैं लेकिन पर्टिकुलरली काली को खिलाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा तो ये कहने का मतलब है तो अब बात करते हैं लीबरा लीब वाले बड़े फैमिली वाले बंदे होते हैं बड़े फैमिली वाले होते हैं ये ना तोल मोल के बात करेंगे मम्मी से बना के रखेंगे बेबी से भी बना के रखेंगे इनको बैलेंस चाहिए जीवन में इनको अगर फैशन करना है ना तो इनको काम भी करना है ठीक है तो ये बड़े बैलेंस वाले होते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा करना वैसे पसंद करते नहीं मैंने देखा लीबरा वाले ज्यादा तुला राशि वाले फालतू में किसी फैमिली होते हैं अभी लेकिन ये जो है ना लेबरा वाले एक एक, एक इनके अंदर थोड़ी सी और भी आदत होती है कि अगर ये गर्लफ्रेंड बाहर बनाकर आ जाएंगे ना तो बीवी को भी खोज कर रखेंगे शुक्र की राशि है तो शुक्र तो को लग्जरी पसंद है शुक्र को जो है ना फैशन पसंद है तो शुक्र को जो ना अपने अगर बाहर गर्लफ्रेंड अगर इनकी है तो घर में बीवी भी इनकी सुखी रह रही होती है ये मैंने देखा है बाकी तो देखो हर किसी का अपने अपने ग्रह के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो लिबरेंस के लिए जो है कैसा साल रहेगा किस्मत का साथ इनको नौ गुना मिलेगा और इनके बहुत सारी चीजें जो है वो इनकी अच्छी होने वाली है क्योंकि किस्मत में बैठा हुआ बृहस्पति इनकी लाइफ चेंज करने वाला मूवमेंट इनका आ गया है पिछले साल जो है ये थोड़ा सा बड़े परेशान रहे तो इस साल किस्मत के सारे दरवाजे इनके खुलने वाले हैं लिबरेंस के लिए और कोशिश करें क्योंकि छठे में इनका शनि देव आ जाएंगे तो ये लेदर का सामान नई बेल्ट नए जूते नाले

दिक्कत आएगी पढ़ाई में और पेट में भी दिक्कत आएगी लोगों को थोड़ा नॉन वेज जो है इस साल में अवॉइड करेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा थोड़ा सा जो मेरी प्यारी बहनें हैं मेरी बिटिया रानियां हैं छोटी वो थोड़ा ध्यान रखे प्रेगनेंसी के टाइम में जो लीब्रा लगन के लोग हैं या राशि के लोग हैं इनको थोड़ा सा प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है ध्यान अगर इन्होंने नहीं रखा तो थोड़ा प्लीज ये सचेत रहें प्लीज़ और शेयर मार्केट में भी जो है ना इनको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है ये ध्यान रखे और दूसरा क्या कहते हैं कि जो छोटे छोटे लोहे के आयरन के खिलौने होते हैं लोहे की कार हो गई लोहे के जो है ना स्कूटर हो गया मोटरसाइकिल हो गई ये चीज़ें जो है ना छोटे छोटे बच्चों को बांटेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये साल मतलब साल कैसे निकल जाएगा मक्खन की तरह ये सारी चीज़ें जो एक्सीडेंट होना है और जो हेल्थ प्रॉब्लम आनी है वो सारी चीज़ें होनी है वो नहीं होंगी तो छोटे छोटे खिलौने जो है वो बच्चों को बांटेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा लिबर के लिए तो अब बात करते हैं अगली राशि की तरफ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वाले स्कॉर्पियो के लिए अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़े से जो ना हार्डिंग पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग जो जो होते हैं वो लोग दिखाते नहीं है तो वृश्चिक राशि वाले जो ना थोड़े से गुस्से वाले भी होते हैं क्योंकि मंगल की दूसरी राशि है पहली राशि मंगल की मेष है और दूसरी वृश्चिक है तो ये ना थोड़ी थोड़ी बातों को ना जो ना हार्डिंग पर्सनलिटी भी थोड़ी से होती है और ये थोड़े से चीजों को मन में रखते जाएंगे मन में रखते जाएंगे एक बार ये गुब्बार फूटता है इनका तो ये थोड़ा सा इनका वृश्चिक राशि वालों का हो जाता है तो ये थोड़ा सा ये साल में जो प्लानिंग बहुत लेकिन जो करने वाला काम है वो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बच्चे जो है उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी जो पढ़ रहे हैं पेपर क्लियर ना होना जो टेस्ट दे रहे हैं जो कंपटीशन के टेस्ट दे रहे हैं उसमें रुकावट आना पेट में गड़बड़ रहना और स्पेशली जो प्रेगनेंट जो वुमेन है जो मेरी बेटियां हैं मेरी बहनें हैं उनको बिल्कुल संभल के इस सम, इस साल इनको लगन वालों को बड़ा संभल के चलना पड़ेगा और जो कंस्ट्रक्शन करवाने से इनको बचना है और इस साल में अगर अगर मकान अगर कोई लेते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें अगले साल के ऊपर जाए और तब इनके लिए बढ़िया रहेगा इस साल ये लोग चोरी चकारी अगर धोखाधड़ी चोरी चकारी कर रहे हैं तो रुक जाए हम दो में क्योंकि गड़बड़ हो सकती है फंस सकते हैं कोई लीगल एक्शन इनके ऊपर हो सकता है तो थोड़ा कोशिश करें थोड़ा आप ईमानदारी पे आ जाए संजीव जी यहाँ पर इनके ट्रांसफर होते हुए मुझे नजर आ रही है ट्रांसफर के चांसेस इनके बनेंगे और हर चीज में ना मीन में निकालने से बचे ठीक है और बाकी इनके लिए अच्छा समय है और लेकिन इनको जो है ना दस अंतों को अगर ये खाना खिलाते रहेंगे तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल जो है वो जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा जैसे इनका गोल्ड बेचने का योग बनेगा गोल्ड गिरवी रखने का योग बनेगा गोल्ड गोप होने का योग भी बनेंगे तो इनको जो है ना अपने सोने को जो है ना ध्यान से रखना है कोई इनके कई बार हो सकता है कोई इनका कोई वर्कर ले गया कोई काम वाली ले गई कोई कुछ ले गया तो ये बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा इनको बृहस्पति पे कंट्रोल करके चलना है बृहस्पति इनका थोड़ा सा फेवर में नहीं जा रहा है तो सोना गिरवी रखने और बेचने से इनको बचना है अगर ये बच जाएंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए और लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय जो है वो जाएगा और बाकी हमें बता ही दिया कि आपको कि दस दो खाना तो इनको खिलाना ही खिलाना है

अर्जुन ने जो है मछली की आंख पर जो तीर लगाया था तो क्या कहते हैं तीर जाकर वो मछली की आंख पर ही लगा था तो ये लोग भी अपने टारगेट्स को लेके चलते हैं तो ये बड़े पर्टिकुलरली होते हैं पर्टिकुलर होते हैं अपने काम को करने के लिए तो ये साल जो है वो कैसे जाएगा के लिए जो कि धनु राशि दोनों बृहस्पति से ऑपरेट होती है ये राशि देखिए इस साल धनु राशि वाले धनु लगन वाले या राशि वाले तैयारी कर लें क्योंकि इनका मकान बनने के योग आ रहे हैं बड़ा सुंदर खरीदना बेचना ये सब कुछ इनका होगा बढ़िया मजेदार। और, तो और सर कड़ाई में होने वाला है क्योंकि शनि का गोचर राहु केतु का गोचर और बृहस्पति का गोचर इनको बहुत अच्छा करेगा इनकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी इनकी लाइफ में स्किल्स अच्छी हो जाएंगी इनका लाभ भाव बढ़ेगा इनका जो है पर्सनैलिटी अच्छी होगी इनके छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे तो अगर हम देखें कि चार प्लैनेट्स का ही, चारों ही ही फेवर देने जा रहे जा हैं क्योंकि शनि है बृहस्पति है राहु है केतु है चारों इनको फेवर देंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया साल इनका रहने वाला है ये साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करे भैया <laughs> नरम कदम की यात्रा भी बहुत होंगी थोड़ा सा पार्टनर के साथ ईमानदारी से चले और धोखाधड़ी ना करें और धार्मिक स्थलों की यात्रा करें बहुत शुभ रहेगा होंगी भी इनकी धार्मिक स्थलों की यात्रा ये। और इसमें एक, भी चीज़ एक चीज़ और भी चीज है की एक चीज और करनी इनको ना अपना उधार का जो पैसा है वो इनको चुकाने का मौका मिलेगा लेकिन इनको पूरा चुकाना नहीं है ठीक है चाहे उसमें से सौ रूपये रख ले, लेकिन इनको पूरा पैसा नहीं चुकाना जैसे कि अगर आपने किसी से एक लाख रुपए की तारी कर रखी है तो सौ रूपये हजार रुपए छोड़ देना कहना मैं तो कोई दूंगा हजार रूपये शॉर्ट है बाकी के पैसे तू पकड़ ले ये पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे अगर ये पूरा पैसा चुका देंगे तो इनके पास में आने के बंद हो जाएंगे ये भी कॉम्बिनेशन है इनका मतलब उधारी रखनी है थोड़ी पैसा आएगा एक पैसा इनके पास आएगा तो ये इनको ध्यान देना है और वैसे कई बार हमारे ऐसे प्लेनेट कॉम्बिनेशन भी होते हैं कि जिसमें कहते हैं कि जब तक उधारी पूरी चुक गई तो पैसा नहीं आएगा थोड़ा सा रह गया तो पैसा आता रहेगा ये इस साल नई गाड़ी के योग भी बनेंगे इनके हाँ जी बहुत... और और धर्म कर्म की यात्राएं बहुत ज्यादा होने वाली है तो इनके सा... इनके लिए अच्छा साल है तो और इस साल हो सके ना अगर ये बीमार पड़े तो होम्योपैथिक की दवाई ले वो जल्दी सूट करेंगे इनको इस साल तो ये साल इनका अच्छा ही आ रहा है अब आगे बढ़ते हैं अगर किसी के पहले उसमें दस नंबर लिखा है मकर मतलब मैं भी उसी के अंदर आता हूँ तो नंबर इन मकर लगन है आपका तो उनके लिए क्या होगा तो ये जो मकर लगन वाले होते हैं ना ये जो है ना पर्टिकुलर होते हैं ये अपनी बातें अपनी चीजें किसी को बताते नहीं है और इनके साथ में आप बात ब ना तो ये ऐसे जताएंगे कि इनको कुछ पता ही नहीं है ठीक है ये थोड़ा सा इनके अंदर एक 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 क्वालिटी कह लीजिए और अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं किसी की लाइफ में ज्यादा ज्यादा के इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और बहुत पेशेंटली काम करते हैं बड़े तरीके से काम करते हैं और आपने देखा होगा कि मगर मच्छ ठीक है तो ये जो है ना ये सी गोट देखिए आपने हाफ गोट है और हाफ जो है वो

फाड़ देगा मतलब कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ उसकी इतना भारी होने के बावजूद चुपचाप सारे सोचते तो पीछे छोड़ देंगे ये क्या करेगा लेकिन ये मौका पड़ता चौका पटाख करके मारते और दुनिया हैरान हो जाती है क्या हुआ तो साहिल का साहिल का जो, जो 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 शो है वो कब जो है मौके हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा टेंडेंसी है ना कि हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं मेहनती बहुत होते हैं और मेहनत करने से मतलब कहते हैं ना टफ से टफ कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं ये इनकी बड़ी अच्छी खूबी होती है तो मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी आपकी साढ़े सात हुई खत्म और अब जो है कुंभ पे मीन पे और, और कि, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना बस अगर इस साल 2025 में हाथ फैलाया तो सब खत्म हो जाए हाँ, आपने बस यूं करके देना है और भगवान पर विश्वास रखना है क्योंकि आप इस साल में बड़े बेफिक्रे हो जाओगे क्योंकि आपके काम ना बड़े आसानी से बनेंगे ठीक है तो कहते है कहते हैं हैं कि ऐसा इंसान जो है बेफिकरा हो जाता है और क्या कहते हैं कि उसके काम सारे आसानी से बने लग जाते हैं बस उसको हाथ नहीं फैलाना इस साल स्लो नहीं रहना फास्ट काम करना है रिश्तेदारी इस साल बहुत बुराई करेगी आप और इस साल सोशल बहुत रहना आपने आप थोड़ा ना सोशल नहीं रह पाते मकर लगन वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सोशल नहीं हो पाते इतनी जल्दी सोशल रहना है दूसरा इ, इस साल पैसा बहुत खर्च होगा क्योंकि आएगा तो खर्च भी होगा पैसा बहुत इस साल आपका खर्च और पाते आपके पाते। लिए भी जो है ना ये एक और जो है लाइन है कि आपको जो है ना आ, सोना घूमने का या सोना रखकर भूल जाने का आपके साथ में भी योग बनेगा तो मकर लगन वाले और मकर राशि वाले सोना रखकर घूम जाए घूमने गु, लग जाए या फिर वो ध्यान रखे कि कहाँ पर रखा है तो वो चीजें कौन से संबंधित आपको या आपके भाई को जो मकर लगन वाले हैं प्रॉब्लम आएगी इसका भी ध्यान रखे है चोरी हो सकती है दिन में ही अगले साल चोरी का ध्यान रखिएगा चोरी वो सोना भी हो सकता है और पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बहुत आपको ये ध्यान रखना है की पड़ोसी आएंगे लड़ने के लिए लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है या फिर हो सकता है की पड़ोसियों से आपकी कम बातचीत हो इस साल में तो ये ध्यान रख लेकिन अगले साल पैसे की तो की रिकवरी हो जाएगी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा साल रहेगा मकर लगन वालों के लिए रिकवरी भी होगी और रिकवरिंग मोड पे आएंगे और पैसे का सारा अच्छा रहेगा कहते हैं ना इनकी नया राम चलाएंगे अगले साल 2025 में मकर राशि वाले मकर लगन वालों के लिए इनकी नैया राम चलाएंगे ठीक है रेमिडीज में क्या कर सकते हैं किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जितनी सेवा करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा मुझे ब्राह्मण को जो है चने की दाल दे मुझे ब्राह्मण को, को दोती दे सकते हैं दे सकते हैं ना दोती दे सकते हैं। तो वो दे उससे बहुत बढ़िया रहेगा आगे बढ़ते एक्वेरियस नंबर तो कुंभ वाले जो होते हैं ना कुंभ लगन में आपने देखा घड़ा घड़े का साइन है तो ये लोग ना फुल ऑफ इमोशंस होते हैं ठीक है ये लेकिन ये भी जो राशि है ना ये शनि की राशि है और ये भी बहुत मेहनती साइन है बहुत मेहनती लोग होते हैं ये बहुत मेहनत में विश्वास रखते हैं क्योंकि शनि की दो ही राशियां हैं एक है मकर और एक है कुम और शनिदेव जो है वो अभी इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं तो कुंभ लगन वाले हो जाए तैयार शनिदेव खोलने वाले हैं आपके भंडारे क्योंकि मेरे पास भी एक कुंभ लगन वाली एक हमारी जो मैनेजर है वो कुंभ लगन की है तो मैंने उसको बोला कि कहते दो साल जो है ना तेरे को कुछ नहीं करना नौकरी छूटने के योग है दो साल बस मेरी चुन्नी पकड़ लियो चुन्नी तो मैं अंति नहीं मेरी पकड़ लियो और जो है ना तेरा जीवन बड़ा पार हो जाएगा क्योंकि यही कुंभ लगन वालों को शनि ने परेशान करना था लेकिन लगन का शनि था और वो राशि भी उसकी थी तो इसलिए वो ज्यादा लोग परेशान नहीं हुए और शनि ने बड़ी कृपा रही लेकिन अब उसके बाद मार्च के बाद इनके रास्ते जो है वो बहुत खुलेंगे और इनको बहुत अच्छा अच्छा फल मिलेगा अगर ये ईमानदारी से चले होंगे तो ईमानदारी जो है ना ईमानदारी पसंद है शनि को शनि कहता है ईमानदारी से चलो शनि कहता है चाहे थोड़ी धीरे 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 स्लो 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 प्रोग्रेस कर लो लेकिन अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो शनिदेव आपसे खुश रहेंगे और आपके जीवन में बहुत आगे ग्रोथ करवाते रहेंगे और थोड़ा सा ये इस साल थोड़ा ध्यान रखें थोड़ा लीगल एक्शन या इनकम टैक्स की तरफ से थोड़ा इन, इन सरकारी दफ्तर की तरफ से थोड़ा इनको दिक्कत आ प्रॉपर्टी बनने के योग है कुंभ लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी इनकी बनेगी इनके लिए अच्छा साल है दो और इस साल शराब पी के कोशिश करे ड्राइव ना करे हाँ और ड्रिंक तो ड्रिंक और ड्राइव तो इनको पूरे दो साल ही नहीं करनी थी दो साल के लिए इनके लिए बिल्कुल वर्जित था लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कर लिया तो वो डेढ़ साल डेढ़ महीना बचा हुआ है उसमें डेढ़ महीना ही नहीं अभी आपका जो है ना पांच महीने बचे हुए हैं मार्च तक का समय है शनि का कुंभ राशि में उसके बाद शनिदेव निकल जाएंगे और इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा और क्या कहते हैं कि बाकी इनका मार्च तक चार पांच महीने हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और मीट अंडा मांस मछली जो है का प्रयोग ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस साल फ्यूचर के बारे में ना प्रेजेंट को ठीक करेंगे तो फ्यूचर अपने आप ठीक होगा और ये साल जो है यानी मैरिड लाइफ में आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लड़ाई झगड़े हुए थे डिवोर्स तक की नौबत जो है वो आ गई थी तो अगले साल भी थोड़ा सा ध्यान रखना है पत्नी के साथ भी बाहर वालों के साथ भी थोड़ा लड़ाई झगड़े ना करे और इनको जो है ना पिता के साथ में कर रखनी है और जो है ना जिद नहीं करनी है जितना जिद करेंगे जितना पिता के साथ में बनाकर नहीं रखेंगे उतने ज्यादा ये लोग परेशान होंगे कुंभ लगन वाले जो हैं तो ये ध्यान से और शेयर सट्टा लॉटरी में इनको घाटा हो सकता है और घाटा हुआ भी होगा जो लोग भी कुंभ लगन वाले हैं तो जल्दी से नीचे जो है कमेंट्स कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि जो है आपके साथ में सारी चीजें रेजोनेट हो रही है और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे रेजोनेट हो रही है कौन से लगन से हो रही है कौन सी राशि से हो रही है तो वो भी हमें जो है मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा

या फिर आप किसी गुरुद्वारे में जाकर आप वहां पर जूते पॉलिश की सेवा करके आओ या वहां पर जूते पॉलिश का सामान दे दो वो आपका सेफ है अगर वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते हैं तो कोई भी आपको कॉबलर वगैरह जो है ना आपको रस्ते में मिल जाएगा तो मोची मिल जाए तो मोची को एक पॉलिश एक मूट की पॉलिश का सामान दे दो या फिर उसे ब्रश दे दो तो वो जितना ब्रश करता रहेगा उतना आपका किस्मत जो है वो चमकती रहेगी

हम यार किसके खाया पिए किसके और मीन हिंदी में कहते हैं मछली तो मछली हम यार किसके खाए पिए किसके मालिक को पूरी जिंदगी नहीं पहचानती अपनी मछली कुत्ता तो देखो कितने जल्दी पहचान जाता है ये जो मीन लगन वाले हो सकते हैं थोड़ा से नाराज हो जाए आज मुझसे मीन लगन वाले जो लोग होते हैं ये सेल्फ सेंटर बहुत हो ज्यादा होते हैं गधे को बाप बनाना बड़ा इन्हें आता है एक टाइम होगा जिससे मुंह मोड़ के चले जाएंगे और काम पर जाए उसके पैरों पर भी गिर जाते हैं इतना मतलब दिखा देते हैं और जाओ उससे काम खत्म हुआ तो मुंह मोड़ लेंगे फिर से अभी महीने पहले पैर छूरे होंगे तो एक महीने बाद काम निकल गया उससे तो मुंह उधर करके चले जाएंगे मतलब मीन लगन वाले मेहनती होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं और देखिए बृहस्पति का लगन है तब भी देख लीजिए कितनी इनमें चलाखी होती है तो ये थोड़े से मीन होते हैं

काम करना पसंद कर सकते हैं ग्रुप में चलना पसंद करते हैं तो ये लोग जो है ना एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं ये भी इनके अंदर क्वालिटी होती है यानी कि सारी जो है डिसक्वालिटीज होती है तो एक भी इनके अंदर होती है लेकिन ये सफाई पसंद बहुत राशि है और ये सावधान हो जाए भाई मीन राशि वाले क्योंकि ये साढ़े साथ ही शुरू हो रही है इनकी प्रभु भला करे मीन राशि में शनिदेव जो है वो आने वाले हैं और शनिदेव जब मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर जो मीन राशि वाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अर्श से फर्श पर जा सकते हैं अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए अगर गलत हैबिट्स है तो उस पर ध्यान दीजिए थाना कोर्ट कचहरी और कोई बदनामी का योग जो है वो बन सकता है जो पिछला कुंभ राशि वालों के साथ में था अब वो मीन राशि वालों के साथ में बनेगा तो थोड़ा थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी का ध्यान रखें और इस साल ज्यादा सेलिब्रेशन ना करें सेलिब्रेशन का तो साल है नंबर का साल है सेलिब्रेशन का साल है लेकिन मीन लगन वाले उनके लिए थोड़ा सा ये है और जो है नजर दोष इनका साथ में बहुत जबरदस्त रहेगा ये भी इनको ध्यान रखना है तो दोष भी इनके साथ में रहें फादर की हेल्थ का ध्यान रखें थोड़ा सा फादर की हेल्थ में या फाइनेंशियल मेंटल या किसी भी तरह से हेल्थ में दिक्कत आ सकती है सोने का भी ध्यान रखे सोना घूमना और बिकने का योग बन जाएगा इनका और घर में कोई वैक्यूम मशीन जो है या मशीन है इनकी या वैक्यूम्ली क्लीनर है वो थोड़ा सा खराब होने के योग बनेंगे टूल्स म... खराब होने शुरू होंगे मशीन घर में जो हमारे टूल्स होते हैं वो सारे खराब होने के योग बनेंगे और सेविंग्स इस साल में इनको थोड़ा सा करके रखनी है क्योंकि सेविंग्स इनकी एकदम से निकलेगी कोई वाली और पैसा की जरूरत हो गया, हो गया, तो की, की जिनका मीन लगन है थोड़ा सा और अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हो तो मकान आप बना सकते हो ठीक है उसमें अगर आपका पैसा चला जाता है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा सर ठीक है इनके लिए रेमेडी रेमेडी ये है कि आपने दस अंदो खाना खिलाना है और आपने यह करना है कि मीन लगन वालों को थोड़ा सा जैसे किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने धोती का दान देना है धोती जोती काली धोती सफेद धोती काली की नानी वाली या कोई काला आप देखो सर्दियां आ रही है तो काला सफेद कंबल भी आप दान कर सकते हो तो वो भी अच्छा रहेगा कुत्तों की जितनी सेवा करेंगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा लेकिन विदेश यात्राएं भी होंगी इनकी तो आप टेंशन ना लें विदेश यात्राएं भी होंगी और जो है थोड़ा सा नाभि से नीचे की बीमारियों का ध्यान रखें तो ये है मीन तक ये है मेष से लेकर मीन तक का सभी राशि वालों को बताया और साथ साथ में उनको उपाय बता दिए ठीक है हमने सारी राशियां खत्म कर दी है अब न्यूरोलॉजी की तरफ भी थोड़ा सा आ जाते जो लोग एक तारीख मतलब जिनका मूलांक एक है उससे नौ तक भी करते हैं तो न्यूम्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो कैसा रहेगा साल जैसे आपको बताया कि नौ नंबर का साल जो है वो खुशियों का साल है और नौ नंबर का साल जो है वो 2016 का देख लीजिए और 2025 में फिर दोबारा से नौ नंबर का साल आया है तो ये साल जो है वो खुशियों का साल भी है थोड़ा थोड़ा जो है प्राकृतिक आपदाओं का साल भी है और एक्शन लेने का साल भी है हनुमान जी का भी साल है और हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे जितना बंदों को आप चना खिलाएंगे इस साल में उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा और जो लोग बंदों को गुड़ चना नहीं खिला सकते तो वो बड़ा ही अच्छा एक चीज है कि आपने एक मिट्टी का न एक स्टैचू ले हु ठीक है मिट्टी का स्टैचू ले आओ जिसमें बंदर का स्टैचू बना होता है और वो जो है उसमें हाथ ऐसे होते हैं उसके और रेड कलर से उसका पूरा जो है उस पे पेंट होता है तो वो आज वो आप अपने घर पे रखोगे अगले साल में ठीक है मंगल के साल में तो आपके घर में नजरे लगने से बचेंगी ये लाल किताब का उपाय भी है कि अगर आपको अपने मंगल को अच्छा करना है तो आपको लिए बहुत ही बढ़िया ये उपाय है तो ये आप करोगे तो उससे सभी लोग रख सकते हैं इसको मिट्टी का स्टैचू क्योंकि बंदर जो है वो सूर्य का कारक होता है बंदर जो है वो सोने का ही वो है रिप्रेजेंट करता है और जो तो हम क्या करेंगे कि नंबर नौ के साल में उसको रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा न होगा और अब हम आते हैं नंबर वन पे इसका भी मूलांक जो है एक दस उन्नीस सौ अट्ठाईस है तो ऐसे लोगों का जो है नौ नौ नंबर का साल कैसे जाएगा एक नंबर सूर्य है नौ नंबर क्या है मंगल है तो क्या होगा बल्ले बल्ले होगी किस्मत तो खुलेगी खुलेगी उनकी भाई एक नंबर सरकार का सपोर्ट पूरा राजा का सपोर्ट आपके नौ नंबर यानी कि आए सेनापति तो राजा का सपोर्ट सेनापति को मिल रहा तो जिंदगी तो में तो तरक्की होगी होगी ऐसे ऐसे काम आपके बनेंगे ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे कि क्या आप सोच भी नहीं सकते जिनका भी जन्म जो है वो एक दस उन्नीस सौ अट्ठाईस को है उनके जीवन की सारी कसर निकल जाएगी बहुत ही बेहतरीन साल है क्योंकि सोने को सपोर्ट मिलेगा सेनापति का तो यहाँ पर जब मिलेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा अब हम बात कर लेते हैं दो नंबर की अगर दो नंबर किसका होता है वो मून से ऑपरेट होता है तो पंद्रह दिन के मूड स्विंग रहते हैं पंद्रह दिन के मूड जो है, है तो वो बढ़िया रहते हैं तो वही हिसाब होता है तो ऐसे लोगों के साथ एक्चुअली दो नंबर क्या है ना कि इमोशनल वाला नंबर है अब बीवी अगर आपकी जो है ना अगर आपकी दो नंबर वाली आपकी बीवी है ना तो वो अगर आपको जो है ना फोन कर रही है और आप जो है इसको फोन उठा नहीं रहे हो तो वो आपको तीसरे बार भी वीडियो कॉल करेंगी कि मेरा पति कहाँ है मेरा पति कहाँ है मेरा पति कहाँ है और आपको जो है ना उससे जो ना तरीके से बात करने दो नंबर वालों को क्योंकि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं दो नंबर जिनका भी होता है मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं इनको आप किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दो जिसका भी जन्म जो है दो ग्यारह और जो है बीस और उनतीस को है ना इनको पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दो आपकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन सही कर देंगे आप अपने यहाँ पर टीम में जो मैनेजमेंट करने के लिए जो लड़के रखते हो तो मैनेजमेंट करने वाली लड़कियां जो है वो दो नंबर की रख दो वो आपकी चीजों को मैनेज कर देंगी पीछे की प्लानिंग नंबर प्लानिंग नंबर एक करता है उसकी जो पीछे की चीजें करता है क्रिएट कर जो करता है वो नंबर दो वाले लोग करते हैं इनको थोड़ा सा सब आपने देखा होगा अरे दो नंबर वालों के लिए तो साल बड़ा खराब जाने वाला है क्योंकि नौ नंबर का साल है एक और आठ की नहीं बनती दो और नौ की नहीं बनती अब क्या करेंगे हम अब दो और दो मतलब नौ नंबर वाले जो अगर का साल अगर आपका आ रहा है और आप दो नंबर के हैं यानी कि आप दो को ग्यारह को बीस को उनतीस को पैदा हो गए हैं तो आप घबराए नहीं आपको बस नौ नंबर कहता है एक्शन ले लो और रोना रोना बंद कर लो ठीक है प्लानिंग के साथ में चलो जैसी आपकी अच्छी प्लानिंग है अब प्लानिंग में वो एक्शन जा, आ जाएगा तो इनके खराब साल नहीं जाएगा आपको लोग डरा रहे हैं आपको लोग मिस, मिस गाइड कर रहे हैं कि दो के लिए नौ नंबर का साल जो है वो खराब जाने वाला खराब जाने वाला है अब वो बेचारे जो दो नंबर वाले प्लानिंग करते ना अब प्लानिंग में आपको एक्शन मिल जाएगा यानी कि आपके काम की वैल्यू हो जाएगी लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे दुनियावी दारी के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके काम को आगे बढ़ा देंगे सपोज करो दो नंबर वाला क्रिएटिव है अब उसने कोई पेंटिंग बनाई है अब पेंटिंग बना दे उसकी पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं कर रहा उसके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं कर रहा नौ नंबर का साल है ना अब उसकी पेंटिंग हाथों हाथ बिक जाएगी उसको दुनियावी फायदा मिल गया समझ में आई तो आपके क्रिएटिविटी की अब जो है वैल्यू हो जाएगी तो ये मत सोचो कि हमारे साथ क्या होगा हमारे साथ क्या होगा लेकिन आपको फ्लो के साथ में चलना होगा आपको एक्शन लेना होगा रोने धोने से निकलकर आपको अब आगे बढ़ना है एक्शन लेना है तो ये दो नंबर वालों के लिए नौ नंबर का साल भी अच्छा जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है और अब हम आते हैं तीन नंबर वालों के लिए अब जिसका भी जन्म तीन को बारह को या इक्कीस को या तीस को हुआ है तो ये कौन से नंबर होते हैं ये होते हैं बृहस्पति से ऑपरेट बृहस्पति क्या है विस्तार है अब बृहस्पति वाले इनके पास भी इतनी ऑलरेडी नॉलेज होती है अभी थोड़ा सा इनके साथ में ना एक प्रॉब्लम होती है जिनका भी जन्म तीन को बारह को इक्कीस को तीस को इनको आपको चीज समझाओगे ना ये बोलेंगे हमें तो पहले से ही बताया हमें तो सब कुछ बताया मेरे को बस समझाना ये बात मेरे को पहले से बताया तो ये थोड़ा सा इनको ये आदत जो है वो वो जो है अपनी ठीक करनी है बाकी बृहस्पति के साथ में मंगल का सपोर्ट सोचो क्या होने वाला है इनके साथ में

और कोई टीचिंग के से रिलेटेड काम है या कोई इंटरप्रेनर है या कोई या कोई जो है आप ही लगा लीजिए कि जो लोग भी पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं तो ये सब लोगों की लॉटरी लगने वाली है 2025 में क्योंकि तीन को सपोर्ट करता है नौ आपने टेक्सला का एक रूल पढ़ा है उसका जो एक वो है थ्री सिक्स नाइन तो थ्री के लिए भी नाइन बहुत सपोर्टिव रहेगा और सिक्स के लिए भी नाइन बड़ा सपोर्टिव रहेगा तो बल्ले बल्ले होने वाली है अपने बिस्तरे अपनी जो है रजाइयों में से निकल आओ आठ नंबर का साल था बहुत आपने जो है लेजीनेस दिखा दी अब नौ नंबर का साल है एक्शन मोड में आ जाइए जो नंबर वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया साल जो है वो जाएगा और सारी आपकी मन मांगी मुरादे जो है वो पूरी होंगी ठीक है जी तो ये इनके लिए बढ़िया है चार पे आते हैं चार पे आते हैं चार क्या है राहु है अब राहु के पास क्या है दिमाग है अब राहु के पास में जो दिमाग है अब आप लोग कहेंगे चार के साथ में नौ वाले का तो कोई बेड़ा हो जाएगा वो ये करेगा वो करेगा इनको बस देखना है कि जोश में होश नहीं खोने क्योंकि चार नंबर वाले क्या होते हैं कि जल्दी से ना जो गुस्से में आ जाते हैं चार नंबर राहु है दिमाग बड़ा लगा लेते हैं कोई आपस आप में प्लानिंग कर आप रहे हैं आप तो अपना दिमाग लगाए जा, जा रहे हो हम आपको पॉडकास्ट दे रहे हैं तो दिमाग कहाँ कहाँ इधर इधर जाओ दिमाग जा रहा है इधर दिमाग जा रहा है इधर दिमाग जा रहा है तो आपको दिमाग तो लगाना है, लगाना है क्योंकि चार नंबर की प्लानिंग अलग ही चलती है सूर्य की जैसे प्लानिंग होती है इनकी चार नंबर वालों की जैसे एक नंबर वाला चलता है वैसे चार नंबर वाला चलता है सूर्य बेचारा फर्स्ट आ जाता है और चार नंबर वाले में इतनी पावर है कि वो सूर्य को ग्रैंड लगा देता है है ना चार नंबर वाले के पास पावर है सूर्य को ग्रैंड लगा देता है तो ये राहु जो होता है ना राहु के साथ में अब आ गया मंगल महावत अब महावत जो है वो क्या करेगा चार नंबर वालों को कंट्रोल कर लेगा जो ये ऐसे ऐसे उछलते हैं ना इनके मूड भी स्विंग हो जाते हैं अब इनके कामों की जो प्लानिंग है वो इनकी प्लानिंग जो है वो हो सकती है वो जो है इनकी अब एग्जीक्यूट हो जाएगी एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि अब राहु को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आ गया आएगा वो मंगल ही आ गया आएगा क्योंकि राहु को सिर्फ और सिर्फ मंगल कंट्रोल कर सकता है तो चार नंबर वाले बिल्कुल ना घबराए इनके जीवन में वो बारह हो क्योंकि चार नंबर को अब कंट्रोल करने वाला आ रहा है मंगल लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप भाई Uh, जो है मैंने बताया ना जोश में होश नहीं खोना आप थोड़ा सा भाई ड्राइविंग ड्रुविंग करोगे और क्या कहते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो भाई एक्सीडेंट तो होंगे ही तो लोग आपको सही बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट से बचो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो ज्यादा वो नॉन वेज की तरफ मत जाओ हनुमान जी की भक्ति करो वैसे भी चार नंबर वालों को हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि उनको हनुमान जी ही कंट्रोल कर सकते हैं राहु को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता चंद्रमा से वो शांत हो जाता है थोड़े दिनों के लिए बच्चा जो है वो शांत हो जाएगा लेकिन वो कंट्रोल जो है वो नौ नंबर से होगा पागल हाथी को सिर्फ महावत ही कंट्रोल करेगा हाथी जो है अगर बचपन में हम हम उसे उसे चेन से तो जब वो बड़ा होता है अगर चाहे रस्सी से भी बांध के रखे और पतली सी लकड़ी से बांध दे बस कूटे से तो वो कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसका माइंड सेट हो जाएगा वो वाला इसी प्रकार से जो है ना कि ये चार नंबर वाले अगर चैनलाइज हो गए तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं ये नहीं की चार नंबर खराब ही खराब ही है आइडिया थोड़ा सा सारा सा, चार नंबर वाला ही देगा ना तो अब पांच नंबर की अगर हम बात करें तो पांच नंबर जिसका भी जन्म जो है पांच चौदह और तेईस को हुआ है तो ऐसे लोग क्या होते हैं किससे ऑपरेट होते हैं पांच नंबर से तो पांच नंबर वाला अगर आपका मूलांक है पांच नंबर तो पांच नंबर बुद्धि का है पहले आप प्लेनेट की ना वो समझ लीजिए बुद्धि अब पांच नंबर बुद्धि है नौ नंबर मंगल है अब यहां पर क्या होगा पांच नंबर वाले की किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता ठीक है ये सेंटर का नंबर है बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर भी एक दो तो, तीन चार यहाँ पर भी छह सात आठ तो, नौ ये सेंटर में बैठे हुए इनको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से नहीं करना पांच नंबर वाले का कोई साल जो है वो खराब नहीं होता कोई साल उसका ज्यादा वो नहीं होता नेगेटिव नहीं जाता अब यहाँ पर आप क्या करोगे पांच नंबर वालों के लिए मंगल का साल है तो बुद्धि बस आपको सिर्फ एक ही चीज मैं इनको बोलूंगी कि जहां पर बुद्धि लगानी है वहां पर एक्शन मत लेना और जहां पर एक्शन लेना है वहां पर बुद्धि मत लगाना मतलब ये डाइसी हो सकते हैं क्योंकि पांच नंबर का है और नंबर मंगल का है तो ये मंगल और बुद्ध दोनों आपस में दुश्मन होते हैं लेकिन जब मंगल और बुद्ध मिल जाते हैं तो ये शनि बना देते हैं शनि तो अब आप ऐसी बुद्धि लगाओगे ऐसी बुद्धि लगाओगे कि अपने सारे काम बनाते हुए चले जाओगे अगर जोश में होश हो गए और तरीके से काम करोगे प्लानिंग के साथ में काम करोगे जहाँ पर दिमाग लगाना है वहां पर जो है अपना एक्शन मत करना और जहां पर एक्शन से काम लेना है वहां पर दिमाग मत लगाना फिर अगर ये समझ जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे अब आ जाइए छ नंबर के लिए तो जिनका भी जन्म जो है छह पंद्रह चौबीस को हुआ है तो ऐसे लोगों के लिए जो नौ नंबर का साल है वही अगेन थ्री सिक्स नाइन तो ये छे नंबर वालों के लिए जो है छह नंबर लग्जरी पैसा ये अब हम सोचते रहते थे छे नंबर वाले यार गाड़ी वो नहीं खरीदनी है अब हमें मेरे को पराडो लेनी है मेरे को जो है ना बी एमडब्ल्यू लेनी है मेरे को ये लेनी है मेरे को वो लेनी है तो वो अब एक्शन लेके ले, ले लोगे अब आप कहोगे क्या कहते हैं मैं तो भैया लेकर ही आऊंगा बी एमडब्ल्यू ठीक है तो वो एक्शन आपका लेने का टाइम आ गया है और ये नहीं कि सिर्फ लग्जरी की तरफ और भी चीजें जो आप प्लानिंग कर रहे थे अपनी क्या कहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड कर रहे थे अपने कुछ और काम कर रहे थे तो वो सारा फैशन से रिलेटेड कर रहे थे क्योंकि छ नंबर लग्जरी ब्यूटी फैशन का नंबर है और ये लोग जो होते हैं फैमिली ओरिएंटेड होते हैं फैमिली में मंगल कार्य भी हो सकते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया साल है तो ये इनका जो साल है वो टेंशन ना वाले बढ़िया ही रहेगा ठीक है आगे चलते सातवें नंबर नंबर सात होता है केतु का अब केतु के पास क्या है बुद्धि तो बेचारे के पास है नहीं वो तो सुराहू के पास चली गई अब धड़ धड़ बेचारा केतु के पास है तो उसकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है बस एक सात नंबर वाले हैं जो थोड़ा संभल के चलेंगे क्योंकि मंगल है ना तो यहाँ पर दोस्ती यारी धोखा भी दे सकती है आपको और दोस्ती यारी आपको जीवन में आगे बढ़ा के लेके जा सकती है तो सात नंबर थोड़ा सा जो है ना बैलेंस करके चले अपने आपको इमोशनल होकर फालतू में किसी दोस्त पर ज्यादा विश्वास ना करें इमोशनल होकर कार्य ना करें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में लेंगे तो ये सात नंबर वालों के लिए भी ये साल जो है ये अच्छा चला जाएगा लेकिन अगर आप जोश में होश खोदोगे हो वही बातें करोगे कहते कोई बात नहीं चल भाई मेरा दोस्त है जा ले जा मेरी बीडम डब्लू जा ले जा मेरी जो है नई गाड़ी तो फिर उसके बाद वो ठोकर भी लेके आ जाएगा दोस्त फिर आप रोते रहोगे तो सात नंबर वाले इमोशनल ज्यादा होते हैं लेकिन सात नंबर वालों के लिए टैग है है अगर है कोई सात नंबर का अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपका कोई पति है या आपकी वाइफ है या आपका कोई रिलेटिव है तो उसको हैंडल विद केयर क्योंकि वो बड़े इमोशनल होते हैं ये दो नंबर से भी ज्यादा इमोशनल होते हैं ठीक है तो इनको हैंडल विद केयर करोगे तो आपके लिए बच्चा रहेगा इनको आपने जो है ना अदरवाइज नहीं लेना मैंने देखा है अगर कोई गड़बड़ हो जाती ना मेरा जहां पर मेरा घर है एक और है तो वहां पर नीचे एक लड़की रहती है सात नंबर की थी वो लड़की उसके फादर से उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया और जाकर उसने छत से छलांग मार दी मतलब मन की बातें भी नहीं बताते इनको निकलवानी पड़ती है बातें तो सात नंबर वाले इतने इमोशनल होते हैं तो सात नंबर में भी जो है ना ये भी होगा सात वाले कैसे हैं सोलह वाले कैसे हैं पच्चीस वाले कैसे हैं है ना तो ये पच्चीस वाले लोग जो होते हैं ये ज्यादा इमोशनल होते हैं तो आप पच्चीस वालों को हैंडल आपको बड़े अच्छे तरीके से करना है उनकी भावनाओं को समझना है उनकी भावना को समझ ली ये आपके लिए खड़े हो जाएंगे हर समय क्योंकि दिल से, दिल से से चल रहे हैं ना ये आपके लिए बहुत आगे तक खड़े रहेंगे तो ये नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ठीक ठीक रहेगा साल तो आपको मैनेज करके चलना है ये रहेगा और आठ नंबर वालों के लिए तो देखो शनि का साल था अब आठ के लिए नौ का कैसा गया और नौ के लिए आठ का कैसे जाएगा वो तो आप लोगों को देखे उधर चल जाएगा जिनके आठ नंबर के मुलाम थे उनके लिए आठ नंबर का साल कैसा गया है ना तो अब ये देखिए क्या कहते हैं कि नौ नंबर का साल जो ये आया है आठ नंबर वालों के लिए शनि और मंगल की कभी नहीं बनी है ना तो आप लोगों को तो मैं एक ही उपाय दूंगी कि जिनका भी आठ का मूलांक है यानी कि जो लोग भी आठ सत्रह या छब्बीस को पैदा हुए हैं वो लोग मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाना ना भूलें और शनिवार वाले दिन जो है वो हनुमान मंदिर में जाना ना भूलें तो मंगल शनि का आप एक प्रण ले लीजिए कि हमें जो है मंग जाना है और वहां पर जो है आपने क्या करना है कि प्रसाद जो आप आ, लेते हो उसको जा जा के बांट देते हो तो वो आपको बांटना नहीं है या तो खुद कंज्यूम करना है या फिर पंडित जी को ही दे देना पंडित जी बांट दे वो बढ़िया है आठ नंबर वाले जितना मीठा बांटेंगे इस साल में अगले साल में तो उतना उनको दुख तकलीफ जो है वो होगी ठीक है ये ध्यान रखें नमकीन जितना बांट सकते हैं बांटे नमकीन का भोजन लगाए हनुमान मंदिर में जाकर बाहर की तरफ जहां पर जो गरीब खड़े होते हैं उनको समोसे खिलाए ब्रेड पकौड़े खिलाए उनकी लाइफ में आप कहोगे नौ नंबर से बढ़िया तो साल मेरा गया ही नहीं तो डरना किसी नंबर से नहीं है हर एक नंबर अच्छा है हर एक नंबर जो है वो बुरा है अपने आप में हर एक नंबर की क्वालिटी होती है ठीक है जी अब अगर आप बोले कि अब आठ नंबर वालों के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान रखेंगे चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखेंगे क्योंकि मंगल शनि मिलेंगे तो मंगल शनि जब मिलते हैं तो ये उच्च का राहु भी बनाते हैं और नीच का राहु भी बनाते हैं तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि चोट एक्सीडेंट का योग जो है वो आपका बन सकता है तो अगेन इनको ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है तो ये इनको ध्यान रखना है बाकी अगर हम नौ नंबर की बात करें तो नौ अट्ठारह और सत्ताईस को जो लोग जन्मे हैं एनर्जी को आपने संभालना है।, है एनर्जी क्या है नौ नंबर के पास पहले से एनर्जी होती है अब उसके पास और नौ नंबर की एनर्जी आ गई तो अब आपने क्या करना है कि तरीके से मैनेजमेंट करके अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके आपको एक्शन लेना है अब क्या इनके साथ में क्या हो सकता है क्या कहते हैं कि पड़ोस बीवी आई अब नौ नंबर वाला का साल भी नौ नंबर का और उसका जो है ना मुलाम भी नौ नंबर का अब उसकी बीवी आई वो देखो पड़ोसी मुझे क्या होता अभी उठेंगे पड़ोस पूछा है नहीं कि क्या है क्या नहीं बात जाके पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा समझ में आई तो ये हमें नहीं करना आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना है प्लानिंग से काम करना है और सोच समझ के काम करना है ताकि आपका जो है कि काम जो है वो आसानी से सिर चढ़े तो फिर आप एक्शन एक्शन ले लेके अपने सारे खराब कर दोगे आपके दोस्त यार बहुत बन जाएंगे जिनका भी नौ, 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 नौ का मूलांक है दोस्त यार बहुत बनेंगे वो दोस्त यार आपको नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके जा सकते हैं उसमें आपका मूलांक और भाग्यांक दो, दोनों देखने पड़ेंगे कैसा रहेगा एक आपको एक ट्रिक आपको बता देती हूँ इस सारे मंच के माध्यम से देखो सब लोग क्या करें पहले अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मई अरे दोनों तो जो है ना क्या कहते हैं ट्वेंटी थर्ड के बाद जो आपका मंथ कौन सा आता है पांच पांच अब देखो पांच बहुत ज्यादा पांच है आपके पास भैया मेरे से भी ज्यादा है तो ट्वेंटी थर्ड और फाइव अब उसके आगे, आगे आप लगा लो 2025. तो का का क्या बना रहा बन मेरा नहीं का मतलब, तीन और दो पांच और पांच और टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव नौ तो पांच और पांच दस और नौ उन्नीस ठीक है उन्नीस को अगर हम प्लस करेंगे तो नौ अरे क्या हुआ दस आपका एक नंबर का साल आ रहा है जिसका एक नंबर का साल होगा उसकी लाइफ में नई प्लानिंग नई अपॉर्चुनिटी नई चीजें आपकी लाइफ में होंगी जिसका एक नंबर का साल होगा आपने पूरा साइकिल से लेकर तक का पूरा कर लिया अब आप देखो कि नौ साल पहले जब एक नंबर का साल आया था तो आपने क्या किया था लाइफ में याद याद नहीं यारे नहीं।, यारे नहीं सोच के देखना लेकिन उस नौ साल पहले अब जैसे दो का साल मैंने देखा कि मैंने क्या किया था दो में मैंने गढ़ लिया था मतलब छोटे से ऑफिस से बड़े बड़े ऑफिस में आई थी 2016 में जब मेरा मंगल का साल आया था छोटे से ऑफिस में थी मैं उससे मैं बड़े ऑफिस में आई थी तो ये मेरा मेरे साथ हुआ था मेरी जो वाइफ है मैंने उसको डेट करना शुरू किया था वाइफ को डेट करना शुरू किया था तो नई प्लानिंग नई अपॉर्चुनिटी नई चीजें आपके साथ में आई तो ऐसे ही दो नंबर का साल जिसका आएगा तो अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी का एक नंबर का साल होगा किसी का दो का साल होगा किसी का तीन का साल होगा अब जो है ना आपने क्या करना अपना डेट सबसे आसान तरीका लोग आपको बेब को बनाते रहेंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो उसको प्लस करो इसको प्लस करो कर कुछ नहीं होता इसी तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका जैसे डेट है जैसे 20, आपने 23rd, 5, और ऐसे आपने अपने, अपने, अपने मंथ को और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को प्लस कर लेना है उसके बाद जो डिजिट आएगी उसको वन नंबर पर लेके आना है यानी कि सिंगल डिजिट पर लेके आना है तो वन का होगा तो नई जिंदगी में चीजें आएंगी सूर्य की तरह आप चमकोगे

शुरू के महीनों मा, में ना प्लानिंग पूरी हो लेकिन लास्ट में जाकर एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऐसे ही जिनका तीन नंबर का साल होगा वो बृहस्पति का साल होगा नंबर मतलब जुपिटर जुपिटर होगा तो बड़ा विस्तार हो जाएगा छोटे घर से बड़े घर में चले जाओगे बड़ी चीजें छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री लगा लोगे ठीक है आप छोटा कोर्स करवा रहे हो बड़ा कोर्स करवाओगे तो ये होगा आपका जो है जुपिटर के साल में अब चार नंबर का साल होगा किसी का तो वो राहु का साल है तो जीवन में उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल तो आपको बचकर चलना होगा अब का साल आ अरे ऐसा तो मैंने जिंदगी देखी ही नहीं पांच नंबर का, का साल जब आपका आएगा तो आप कहोगे मजा आ गया इस साल में तो मुझे मजा आया था ऐसे अपने सारे सालों को पीछे पीछे की कैलकुलेट करके देखते जाओ आठ नंबर में मेरे साथ क्या हुआ था पांच नंबर में क्या हुआ था छह नंबर में क्या हुआ था उससे अपने आप को इस साल को रिलेट करो पांचवा साल आपका था जो है ना बुद्ध का साल है बुद्ध जो है नई बिजनेस देगा नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी करवा देगा नए लोग आपसे जुड़वा देगा अब छे नंबर का साल आपका आया तो आप शायद क्या कहते हैं कि कोई गाड़ी गुड़ी गर खरीद लो कोई नया घर खरीद लो कोई लग्जरी चीज खरीद लो कोई लग्जरी आइटम खरीद लो ठीक है ना ये छे नंबर का साल आपको ये करवा देगा घर भी खरीद सकते हो छे नंबर का साल आपको लग्जरी दिलवा देगा आप बैठे बैठे खटाना सी गाड़ी में बड़ी गाड़ी मिल जाएगी ठीक है वो उसमें आप एक्शन भी ले लोगे ठीक है और छः नंबर के साल आपको फैशन में ब्यूटी से रिलेटेड मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में करवा देगा अब अगर सात नंबर का साल आएगा तो इमोशनल हर्ट हो गया किसी की मृत्यु हो गई उसको समाचार आ गया, गया। सात नंबर के साल में क्योंकि सात नंबर हैंडल विथ केयर पीपल ठीक है ये कोई इमोशनल हर्ट करवा देगा इमोशनल हर्ट लेकिन सात नंबर के साल में अगर आप क्या कहते हैं कि जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए स्पिरिचुअलिटी अगर आपने दिखा दी तो आपका साल जो है ये बहुत बढ़िया जाएगा और अगर सात नंबर का साल है और आपने एजुकेशन को नहीं छोड़ा तो आपका साल बहुत अच्छा जाएगा जैसे मेरा ये सात नंबर का साल चल रहा है और मैंने जो है ना एजुकेशन में लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो मेरा ज्ञान बटा है ना ज्ञान बटा तो मुझे केतु ने बैलेंस कर दिया नहीं तो मुझे ये बड़े बड़े सेटबैक दिलवाता हूँ सेटबैक दिलवाता केतु सेटबैक देता है तो आपको जो है ना वो बैलेंस कर देता है और आपकी जो एजुकेशन को भी आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है अब नंबर नंबर का का साल आठ का साल किसका होता है मनी का साल हार्ड वर्क का मतलब अभी भी अगले साल भी हार्ड वर्क खूब करनी है तभी जाकर जो है वो मनी मिलेगी और तभी जाकर जो है आपको आगे, आगे आप बढ़ोगे ठीक है वो शनि का साल होता है आठ नंबर का ऐसे ही नौ नंबर का साल मंगल का साल पूरी कहानी हमारी मंगल से शुरू हुई थी और मंगल पे खत्म हो गई तो ये मंगल का साल जो है वो आपको जीवन में एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ाता है तो ऐसे आप अपने सालों को कैलकुलेट कर सकते हो और डरने की जरूरत नहीं है कोई ये मेथड जो है मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा बहुत सारे लोगों में देखा तो इस मेथड जो है वो बहुत ज्यादा मैच होता है बाकी अगर आप अपनी कुंडली को पूरा दिखाना चाहते हो और अपने साल में क्या क्या घटनाएं घटेंगी अब उसमें क्या होता है कि मेरे को इस मंथ में मिलेगा कि अगले मंथ में मिलेगा कि उसके अगले मंथ में मिलेगा कि उसमें ये भी आप कैलकुलेशन जो है वो डीप जाके कर सकते हो

उसमें भी मैं सारी चीजों का मिक्स करके करवा रही एक विद्या में कोई भी आप नहीं हो सकते हम जो है वो देखते हैं थैंक यू बहुत मजा आया मुझे उम्मीद है ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि उनका अगला साल कैसे जाने वाला है आ, क्या क्या चीजें आपके लिए रिलेटेबल रही कमेंट सेक्शन में बताना और क्या क्या रेमेडीज आपको चाहिए आने वाले टाइम में अगर हम फिर से जब भी शूट करेंगे तो आप क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना थैंक यू थैंक यू जी राधे राधे आप सभी का अगला साल जो है वो बहुत 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 बढ़िया जाए आप लोगों के जीवन में बहुत तरक्की हो आपके जीवन में भी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं मजे आ जाए उनकी लाइफ में तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा लाइक कर देना शेयर कर देना वीडियो कैसी लगी बायुंड गुड मॉर्निंग जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम दुआ में याद रखना